अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं दानिश जावेद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ आपके हर दिल अजीज प्रोग्राम हालात में आज का हमारा मौजू है खदमत खल्क और सियासत यानी सोशल वर्क और पॉलिटिक्स और इस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं जनाब जैद खालिद पटेल साहब मशहूर इस्लामी स्पीकर जैद भाई आपका इस्तकबाल है अस्सलाम इस्ते अस्सलाम नाजरीन हमारे दूसरे स्पीकर हैं असलम शेख साहब शेख साहब मशहूर सियासतदान हैं कांग्रेस के लीडर हैं और मलाड इलाके से हमारे एम एल ए जनाब असलम शेख साहब असलम शेख साहब मैं आपका करता इस्ते प्रोग्राम में।, में शुक्रिया आपका दोस्तों उसके बाद हमारे साथ है मेराज सिद्दीकी साहब मेराज सिद्दीकी साहब महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और नेशनल कन्वीनर हैं मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम के मेराज साहब आपका इस्तकबाल इस्ते हैं बहुत शुक्रिया आइए बाकायदा प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से और मेरा पहला सवाल क्योंकि असलम साहब का सीधा सीधा ताल्लुक सियासत से है तो मेरा पहला सवाल उनसे है कि असलम साहब ये सियासत और सोशल वर्क में कहीं कोई फर्क है सोशल वर्क सियासत से जुड़ता है ना जहां जहां पे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी है और आपको सियासत करनी है या सोशल वर्क करना है तो ये दोनों के कोऑर्डिनेशन बगैर होगा ही नहीं लोगों की खिदमत करनी हो या उनको उनकी तकलीफों से बाहर निकलना हो या उनको मदद करनी हो या उन्हें राह दिखानी हो तो सियासत ही एक वो फाउंडेशन है जिसके जरिए जो है आप लोगों तक पहुंच सकते क्योंकि चाहे वो नीचे लेवल पे हो चाहे कॉरपोरेशन लेवल पे हो चाहे असम्बली लेवल पे हो या देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट है वहाँ तक हो तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो है खिदमत की ये सियासत से जुड़ी यकीन सारी खिदमत के हवाले से जितनी बातें चीजें हैं वो सियासत से जुड़ी हैं मेरा सवाल यह है कि फिर सोशल वर्क की जरूरत क्या है सदना कर ही रहा है नहीं नहीं सोशल वर्क कंप्लीट नहीं होगा जब तक सियासत तो उसमें ना इन्वॉल्व हो आप सोशल वर्क कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा कि एक बच्चा है जो हमारे लोगों में बहुत सारी चीज़ें देखने आती है कि जब बच्चा घर में पैदा होता है आज भी हमारे लोगों में कई जगहों पर गाँव में शहर छोड़ के कई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो बच्चा जब घर पर पैदा होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाते नहीं है अब एज ए सोशल वर्क आपको सियासत कैसे काम आएगी अगर आप सोशल वर्क कर रहे हैं और आप एक जीते हुए नुमाइंदे हैं या किसी बोर्ड में मेंबर हैं में तो आप उन्हें गाइड कर सकते हैं कि उसको किस तरीके से सर्टिफिकेट बनाना है क्योंकि वो सीधा सीधा महानगर पालिका में जाके बोलेगी मेरा बच्चा पैदा हुआ मुझे सर्टिफिकेट दो तो उसे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो उसको गाइडेंस करने के लिए हर एक स्टेप लगेंगे उसे कोर्ट में जाना होगा कोर्ट से एक एफिडेविट बनाना होगा फिर एफिडेविट बना के उसको म्यूनसिपाल्टी में देना होगा म्यूनसिपालिटी को चैलेंज करना होगा कि अगर बच्चा घर में भी पैदा हुआ तो ये महानगर पालिका की जवाबदारी है कि उसको रजिस्टर करना ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया चलिए मैं तो उसी तो तरीके से मैं, मैं आपको बताता हूँ कि जो सोशल वर्क है एक सिंगल फाउंडेशन आप बताइए जहाँ सोशल वर्क जो है विदाउट पोलिटिकल हम कर सकते हैं स्परिचुअल लेवल पर हम कर सकते हैं अगर हमें तकरीर करना है या हमारी मजहब के बारे में लोगों को जाना तो वहाँ पे भी आपको जो स्टेज लगाना है वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो है फिर सोशल इंटरफेरेंस लगेगा कि वहाँ पुलिस परमिशन लेना पड़ेगा स्टेज परमिशन लेना पड़ेगा ट्रैफिक परमिशन लेना तो बहरहाल तो मसला यह है कि कहीं ना कहीं ये दोनों को कनेक्टिविटी साथ में काम करना। सवाल को मैं दूसरी तरह से पूछता हूँ और वो ये कि जब बहसियत आम आदमी मेरे सारे काम मेरे एम एल ए असलम साहब से या उनके ऑफिस से जाके हो जाते हैं तो मुझे किसी एन जी ओ की जरूरत क्यों है देखिए आप एक चीज को समझिए कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो करीबन बीस लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है एक मेंबर ऑफ असेंबली जो होता है वो तीन लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है जब तीन लाखों की करता है तो समझो डेढ़ लाख जो होते हैं वो विदाउट रजिस्टर्ड होते हैं यानी साढ़े चार लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है और कॉरपोरेटर जो होता है करीबन चालीस हजार से लेकर पैंसठ हजार के बीच में करता है अब मसला ये हो जाता है कि एक आदमी कितने लोगों तक पहुंच सकता है या कितने लोगों को फायदा दे सकता है तब ये जो एन टाइप के हों या पोलिटिकल जो लोग जैसे जुड़े जैसे मिराज भाई बैठे हैं तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डिवाइड होता है कुछ लोग हमारे पास आते हैं उनका जैसे नहीं हुआ तो उनको जो है एन जी के माध्यम से थोड़ी हेल्प हो जाती है उनको सपोर्ट हो जाती है और पॉलिटिकल लोगों के माध्यम से सपोर्ट हो जाती है तो इसीलिए ये जो मोर एंड मोर जो चीज़ें बनाई गई है जैसे गवर्नमेंट ने ए बनाई हुई है एक लोकल बॉडी मैनेजमेंट महानगर पालिका ने बनाई है और गवर्नमेंट की तरफ से कई बॉडियाज बनी है ताकि काम ज़्यादा है देश के अंदर आप देख सकते हैं कि लोगों की संख्या ज़्यादा है और मैन पावर कम है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जितनी संख्या होनी फिर चाहिए फिर चाहे पुलिस का हो चाहे महानगर पालिका का हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट का है वो संख्या कमी और लोग ज़्यादा है तादाद ज़्यादा होने के सारे लोगों तक की फैसिलिटी पहुंच नहीं पाती तो ये अलग अलग ज़रिया है जो लोगों के माध्यम को मदद कर सके नाजरीन हमारे मेहमान असलम शेख साहब का ख्याल है कि सियासत और एन जी ओज एंड सोशल वर्क एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं आइए इस पर हम मेरा सिद्दीकी साहब की व्यूज़ लेते हैं मेरा साहब आपकी क्या राय है कि सियासत और सोशल वर्क एक दूसरे के लिए लाजिमा मज़ूम है या ये दो अलग चीज़ें हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये दो अलग चीज़ें नहीं हैं अजम शेख साहब से मैं पूरी तरह मुतफ़ हूँ कि एक ही सिक्के के दो रुख कह लीजिए या एक ही शोबा कह लीजिए लेकिन इसमें सोशल वर्क जो है ख़दमत खल थोड़ा वसी है बल्कि यूँ अगर हम समझें कि खदमत खल के दायरे में सियासत भी आ जाती है एक ज़माना था कि आप देख लीजिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये पुराने जितने भी बड़े बड़े सियासतदान जो लीडर्स थे इनका जो बेस था वो खदमत खलक़ ही था ख़दत खल़ के ज़रिए ही इन्होंने अवाम को अपने करीब किया खिदमत खल के जरिए ही दिलों को जीता दिलों पर राज किया और लोगों के कायद बने जबकि यहाँ थोड़ा सी ऐसा हो गया है कि ज़माना ऐसा होता है कि लोग बहुत सारे सियासी लोग उसमें सारे लोग नहीं लोगना है आर देयर लेकिन ज़्यादातर सियासी लोगों ने सियासत को कारोबार बना लिया है इसे बिज़नेस बना लिया है नतीजतन जो काम खदमत खल के दायरे में आता था वह बिज़नेस के दायरे में आने लगा और वो सियासतदान जो कभी कौमों की स्टेट्स की अपने इलाकों के नुमाइंदगी किया करते थे और जिनको लोग बहुत ज़्यादा अहतराम किया करते थे बल्कि हमारे जो बरदरान वतन हैं उनमें तो बहुत सारे पूजाएं तक होती थी ये मकाम था धीरे धीरे ने जब इसको तिजारत बना लिया तो वो तजार खोते चले गए और आप देखिए आप चले जाइए आप पब्लिक में जनता में चले जाइए सियासत बोलिए लीडर बोलिए तो उसके लबों पर मुस्कुराहट आएगी उसको लगेगा भाई सियासी आदमी मतलब लायक भरोसा नहीं सियासी आदमी मतलब लायक भरोसा नहीं सियासत को लोगों ने कारोबार बना लिया है आइए जैद खालिद पटेल साहब के पास चलते हैं जैद भाई आप का और इस्लाम का अलहमदिल्ला वसलाम रसोल्ला वालाखली वजुमैन नमाबाद देखिए हम ये देखते हैं कि इस्लाम ने तो ये सिखाया है कि मिसाल के तौर पर सई बुखारी की हदीस है कि साथ है जो अल्लाह के अर्श के साये में होंगे उसमें नंबर वन पे है एक आदिल हुक्मरान जो एक बहुत ही इंसाफ के साथ कहीं पर रूल करता है वह अल्लाह के अर्श के सहाय में होगा क्यामत के दिन जिस दिन कोई सहाय नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श का सहाया हम ये देखते हैं कि जब इस्लाम ने ये सिखाया कि हब्बल्ला सबसे पसंदीदा लोग अल्लाह के नज़दीक वो हैं जो अनफाहुम लिन्नास सबसे ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाते हैं तो इस्लाम ने इस चीज़ के अंदर जो असल बात है कि बेनिफिट पहुँचाना कि फ़ायदा पहुँचा या नहीं पहुँचा इस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है यानी कि उस चीज़ की सिंसियरिटी पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि वो अल्लाह के लिए हो अब भले ही उसके अंदर हमें दुनियावी तौर पर जो ज़रिए करने पड़े अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्टम्स होते हैं जैसे मिसाल के तौर पर डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है जो अलहद ला हमारे असलम भाई ने बताया अब ये सिस्टम के अंदर ये बात एक बिल्कुल मानी हुई बात है कि कोई सोशल वर्क ज़्यादा इफ़ेक्टिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा उसके इफेक्ट्स लोगों तक पहुँच पाएंगे अगर उसे पोलिटिकल तौर पर भी सपोर्ट मिल जाए लेकिन अगर ना भी मिले तो भी ये काम खुद अल्लाह के लिए है इसके अंदर अल्लाह ज़रिए पैदा करता है एक इंसान जरिए बेस्ट इख्तियार करे और ये बात याद रखे कि सारे के सारे काम सिर्फ एक मकसद के लिए हो कि जैसे एक काम बाहर सेम है आउटसाइड उसका सेम है एक शख्स कर रहा है ताकि उसका कोई बेनिफिट हो एक शख्स कर रहा है ताकि अल्लाह उससे राजी हो जाए तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बहुत सारी इंट्रेंसिक डिफ्रेंस आ जाएंगे बहुत सारे फर्क आ जाएंगे इस्लाम ने सिंसियरिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी मिसाल के तौर पर कहीं कोई नहीं देख रहा है अब वहां मैं क्यों अच्छा काम करूँ कहीं पर कोई फायदा नहीं है उस सिचुएशन में कोई क्यों करे हर जगह हर सिचुएशन हर वक्त कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़माने तक अच्छा करके फिर कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है तो बहुत सारे लोग डिसाटिल हो जाते हैं हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसा तबका मिलता है जो कहते हैं मैं एक ज़माने में अच्छा काम किया करता था फिर देखा करके कोई फ़ायदा नहीं होता है तो मैंने आखिर में छोड़ दिया ये सब काम करना बहुत सारे लोग सोशल वर्क में होते हैं एक ज़माने में बोले मैंने वो फ़ला ज़माने में बहुत सोशल वर्क किया है फिर मैं बोला कोई फ़ायदा नहीं होता है तो छोड़ दिया लेकिन फ़ायदा होता है या नहीं होता है वो दुनिया के फैसले से हम नहीं दिख सकते हैं इसका फैसला तो सिर्फ क्यामत के दिन मिलेगा जब एक इंसान अल्लाह के सामने खड़ा हो और उसे पता चले कि ये सारी छोटी 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 निकियां हैं ये अल्लाह के रसूल रसुलसम ने कहा शमिनफ कोई भी नीकी को हकीर मत समझो चाहे अपने भाई को मुस्कुराते हुए मिल रहे हो तो ये सारी सारी निकिया तब जमा होगी तो यहां ये होता है कि जब एक चीज सिंसियरिटी से होती है वो लॉन्ग रन तक एक इंसान कर सकता है हर हालत में हर वक्त पर हर सिचुएशन में हर किसी के साथ कर सकता है चाहे कोई अपेरेंट फायदा दिख रहा हो या ना दिख रहा हो खूबसूरत बात मैं इससे पहले कि आपसे ये सवाल पूछूं कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम है उसकी बुनियाद सोशल वर्क पे है यानी अगर आपने रास्ते में रखा हुआ एक छोटा सा पत्थर भी उठा के साइड में रख दिया तो आपने बड़ा नेकी का काम किया और सबसे छोटा सोशल वर्क है शायद जो ये इस्लाम में होता है लेकिन आज ये सोशल वर्क की तालीम मुसलमानों के दरमियान में नजर नहीं आती कहाँ चली गई ये सवाल मैं आपसे करूंगा लेकिन उससे पहले मैं असलम भाई के पास आना चाहता हूँ असलम शेख साहब मेरा सवाल है आपसे ये एक जमाना था अगर हम बायोग्राफीज पढ़ते हैं बड़े बड़े लीडरान की महात्मा गांधी से लेके मौलाना आज़ाद तक की और हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम साहब से लेके पंडित नेहरू तक तो हम ये देखते हैं कि ये सारे सियासतदान सोशल वर्कर थे इन्हें किसी एन की किसी की जरूरत नहीं थी कोई कारपोरेट की जरूरत नहीं थी किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी सोशल वर्कर थे यानी सियासतदान का मतलब उस वक्त सोशल वर्कर ही समझा जाता था लेकिन आज के ज़माने में आज़ादी के साठ पैंसठ साल दूर आके ये सोशल वर्क और सियासत दो अलग अलग चीज़ें क्यों नज़र आने लगी इसमें दो चीज़ें हैं बल्कि मैं आपकी बात शुरू होने से पहले कहूँ नाजरीन को भी बताऊँ मेरे कलीग चैनल से जब असलम भाई के पास उनके दफ्तर में गए कि सवाल मेरे दिमाग में क्यों आया इसीलिए आया गए तो उन्होंने वहाँ आलम यह देखा कि इस इलाके के बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद हैं और असलम साहब उनकी छोटी और बड़ी परेशानियों को दूर कर रहे हैं एक एम एल ए जो तकरीबन चार साढ़े चार लाख लोगों को रिप्रजेंट करता है जिनसे अगर वो मिलने भी बैठे तो पाँच साल निकल जाए वो उन लोगों की समस्याओं को उन लोगों की परेशानियों को सुन रहा है और दूर कर रहा है जितनी उसकी इस्तात है यही सोशल वर्क यही सोशल वर्क शायद आज़ादी से पहले के लीडरान करते रहे होंगे यही सोशल वर्क आज़ादी के बाद के लीडरान करते रहे होंगे लेकिन ऐसे लीडरान का या ऐसी खिदमत का या ऐसी खदमत खल का फगदान या कमी आज हमारे समाज में क्यों है और ये किसी एन या किसी सोशल वर्कर की हमें जरूरत क्यों पड़ी देखिए दो चीज़ें हैं आपके सवाल के अंदर कि ये पहले जो नाम आपने गिनवाए अबुल कलाम आज़ाद हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए या महात्मा गांधी जी भगत सिंह हो गए इनका उस वक्त का रोल और आज के रोल में दो चीजें हैं इनका रोल उस वक्त सियासतमंद इसलिए नहीं था कि उस वक्त हमारा राज्य इस देश पे नहीं था हमारे ऊपर जो है वो ब्रिटिशर्स का राज था और हम लोग आजादी की जंग लड़ रहे थे जब आजादी की जंग लड़ रहे थे तब सियासती तौर पे हमारा कोई वजूद यहाँ नहीं था इस देश के अंदर करीबन सौ साल से ज्यादा अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत की तो हमने जब उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई पूरे देश में तो सारे मज़हब के लोगों ने मिलकर उस मुहिम का साथ दिया और आज़ादी तक आए जब आज़ादी आती है तो यही सोशल वर्क जो कर रहे थे जब डेमोक्रेसी का स्थापना होता है तो यही जो सोशल वर्क करते थे तो यही चल के आगे हमारे देश की नुमाइंदगी करें और वही लीडर बने चाहे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बने चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे बने या मिनिस्ट्री तौर पे बने यानी मौजू चेंज होता है हालात के हिसाब से पहले ये सोशल वर्कर जो थे उनको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं थी लेकिन जब सोशल वर्क का उस मुहिम को जब खत्म करते हैं और जब देश को डेवलप करना है और जब देश को आगे ले जाना है तो इस पोजीशन पे आना भी जरूरी था प्राइम मिनिस्टर बनना भी जरूरी था मिनिस्ट्री बनना भी जरूरी था डेमोक्रेसी को स्थापित करना भी जरूरी था यही लोग आगे चल के जो नेता बने और आज के तारीख में जिस तरह मेहराज भाई ने बताया बिल्कुल सही बात है कि पॉलिटिशियंस को जो है वो देखने का नजरिया जो है उस दौर पर और आज के दौर में फर्क हो गया ये तो आप देखेंगे अगर जिस वक्त खुदा पाक ने दुनिया बनाई उससे पहले ही उन्होंने जन्नत और दोजक बना दी यानी ये बात तय थी कि अच्छे और बुरे इंसान जब पैदा होंगे उसी वक्त से शुरू होंगे तो उसी तरीके से एक ज़माना था कि बहुत ज़्यादा लोगों की लॉयल्टी जो थी वो खिदमत में थी जैसे इन्होंने बताया कि भाई अगर लोग काम करते हैं कि जहाँ पे उसे लगता है कि यहाँ उसको बेनिफिट होगा इसलिए वहाँ काम करता है जहाँ उसे लगता है कि उसके बेनिफिट नहीं होगा वहाँ वो काम नहीं करता है और आखिर में वो ये सोचता है कि मुझे यहाँ बेनिफिट नहीं होगा करके वो काम छोड़ देता है जो ये सोचता है कि मेरे आखिर में यहाँ काम नहीं होगा काम छोड़ देता है वो अपनी आखिरत छोड़ देता है अगर वो ये सोचे कि भाई नहीं मुझे काम इसलिए करना है कि मुझे जो है बंदे को राज़ी करने के साथ साथ खुदा को राजी करना है अब खुदा को राज़ी करने का जहन अगर लोग लेके चलेंगे तो खुदा भी राजी होगा और बंदा भी राजी होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिस तरीके से आपका सवाल भी था कि क्यों हमारे लोगों की सियासत के अंदर ज्यादा जरूरतें हैं क्यों उसका ये रीजन एक सबसे बड़ा है कि कोई भी कम्युनिटी जब ऊपर आती है तो उसमें उसके समाज के लोगों का शेयर बहुत बड़ा होता है उनका से बहुत बड़ा होता है जैसे आपका लॉयर जो आपको रिप्रेजेंट करता है अगर वो लॉयर आपका सही नहीं हो या आपके पास लॉयर ही नहीं हो आप किसी और पर डिपेंड करता हो तो आपका केस कितना अच्छा चल सकता है ये आप खुद समझ सकते हैं लेकिन सियासत में अगर आपके लोग आते हैं अपने लोग उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं फिर चाहे एनजीओ के माध्यम से है दो तरीके हैं इस देश में लड़ने के एक तो एनजीओ के माध्यम से लड़ सकते हैं जैसे मेरा भाई हैं जिनको पॉलिटिकल कोई एम्बिशियस नहीं है मेरे पुराने दोस्त हैं यानी वो एक जो है वो पैरल तरीके से हम लोग दोनों काम कर रहे हैं सोशल वर्कर ज्यादा सोशल वर्कर ज्यादा है वो कह रहा हूँ कि वो सोशल वर्क से लोगों की खिदमात कर रहे हैं मैं पोलिटिकल से खिदमात कर रहा हूँ तो दोनों जो है वो खिदमत खल का ही काम कर रहे हैं अब दो तरीके खिदमत खल के क्योंकि जो टॉपिक था तो मैंने वो बात निकली तो बता दूँ कि दो तरीके के होते हैं एक लोगों को फायदा पहुँचाना एक लोगों की तकलीफें दूर करना एक लोगों की समस्याओं से उलझना एक लोगों को परेशानी से दूर निकालना ये खिदमत खल भी हो गया उसी तरीके से हमारे इस्लाम का प्रचार करना खुदा ने अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोगों को इसलिए काबिज़ किया हुआ ताकि ये सारे लोग मिलके जो सही तरीके के रास्ता जो आम लोग हैं जहाँ पे आज भी हमारी जो कौम है इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी एजुकेशन लेवल में बहुत ज़्यादा पीछे हैं आज भी बहुत ज़्यादा पीछे असला भाई बीच में टोक रहा हूँ मैं आपको इस हवाले से मैं सवाल करूंगा आपके पास आऊंगा जो मेरा सवाल था अगेन मैं उस सवाल की ब्रांच आप तक वापस लाता हूँ आपने कहा कि आज़ादी से पहले सियासत नहीं थी और एक सबका मिलकर गोल था कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराना लेकिन थोड़ा सा मेरी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स है बींग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होने के बाद 1935-36 में हिंदुस्तान में पहली सरकार बनी हिंदुस्तानियों की जिसमें बड़ी सियासत हुई जिसमें पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार बीग फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश किया पार्लियामेंट में जिसकी मुखालफत हुई जो हमें कोर्सेज में यहाँ हिंदुस्तान में नाइन्टीज तक एट्टी फाइव तक पढ़ाया जाता रहा या कांग्रेस की अपनी सियासत या कांग्रेस और लीग की सियासत या हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद महात्मा गांधी का सिर्फ राष्ट्रीय पिता बन जाना कोई गवर्नर जनरल की पोस्ट नहीं लेना कोई प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं लेना कोई प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं लेना ये सियासत से दूरी रखते हुए या सियासत से कुर्बत रखते हुए यादमत खल्क नहीं था तो और क्या था सोशल वर्क नहीं था तो और क्या था सिर्फ मैं जानना यह चाहता हूँ कि उस जमाने के जो लीडरान थे जो लीडर होने के साथ साथ सोशल वर्कर भी थे बहुत बड़े वो फकदान आज के आम सियासतदान में क्यों उसकी कमी पाई जाती है देखिए आपके जो सवाल है उसमें खुद उसका जवाब है कि उस तो वक्त जो माहौल क्रिएट हुआ इस देश में उसके कुछ सालों बाद ही देश में पार्टीशन हो गया तो यही जो सोशल वर्क जो कर रहे थे जो देश को आजाद करने के लिए कंधे से कंधा मिला के जब चल रहे थे तो जब एक चीज हासिल हो गई आजादी उस वक्त भी तो सोशल कर, कर रहे थे उस वक्त भी सियासत कर एकसर्थ रहे को लेकर झगड़े थे चाहे एक्ट हो कुछ उस वक्त भी बड़ी सियासतें थी मारा मारी थी कौन कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा कौन लीग का सदर exactly, बनेगा मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ लेकिन पहले आपने कहा था आपका सवाल इस तरह का था कि ये सारे लोग जो है कभी सियासत नहीं कर रहे थे सिर्फ खिदमतें खल कर रहे थे इससे पहले आपने कहा था तब मैंने कहा था कि उस वक्त डेमोक्रेसी नहीं थी इसलिए सबका गोल एक था कि हमें सबसे पहले देश को अंग्रेजों से छुटकारा करना कर छुटकारा होते ही फिर ऑटोमेटिकली जो है लीडरशिप की बात आती है ऐसा नहीं करते तो वैसा हो जाता ये एक बोलने का ही बात होती है अगर महात्मा गांधी जी ने उस वक्त एक अपना डिसीजन लिया होता तो शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है अलग नहीं होता अगर उस वक्त उन्होंने एक कॉल लिया होता कि भाई ठीक है दो जन लोगों में विवाद है तो मैं खुद बन जाता हूं तो हो सकता है शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तो जो होता है जो घटना घटती है उसको तो घटना ही होता है लेकिन उसके बाद ये बहुत सारी बातें आती है महात्मा गांधी जी ने बहुत ही अग्रेसिव तौर से उन्होंने लीडरशिप ली अगर लीडरशिप नहीं लेते वो कॉल नहीं लेते तो लाखों लोग उनके पीछे जो है डांडी मार्च नहीं करते नमक के लिए इतना बड़ा आंदोलन नहीं करते लाखों लोग जो है एक जगह इकट्ठा होकर जो है अपनी जान की कुर्बानियां नहीं देते लीडरशिप तो किया था उन्होंने यानी पॉलिटिकल का एक बेस तो था फ्री इंडिया मूवमेंट एक पॉलिटिकल बेस ही था तो ये बिल्कुल मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा कि उसमें सियासत नहीं थी सियासत ही तो थी बिल्कुल आप जो आजादी लिया है वो आपने जंग के माध्यम से नहीं लिया सियासत और डेमोक्रेसी के माध्यम से लिया है आपने ना तो तलवारें चलाई आपने ना तो गोली चलाई ना आपने तोप चलाई जो डेमोक्रेसी का एक अपने पास हथियार था उस हथियार के माध्यम से ही हम तो लोगों ने अंग्रेजों से लड़ा और पूरे प्रेशर लाया वर्ल्ड यूएन का और उसके तहत हमें ये आजादी मिली सियासत वो हथियार था जिसके जरिए हमें आज़ादी मिली असलम भाई बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमको बता रहे मेराज भाई और मैंने पढ़ा डॉक्टर अंबेडकर की किताब में डॉक्टर अंबेडकर से किसी ने पूछा कि हिंदुस्तान का राष्ट्रपिता तो आपको होना चाहिए था गरीबों के मसीहा तो आप थे फिर महात्मा गांधी कैसे हो गए तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये लिखा है कि मुझसे गलती ये हुई कि मैंने सूट पहन लिया और गांधी जी ने अच्छा काम यह किया कि जो कि जो साउथ अफ्रीका से आए थे उन्होंने सूट उतार के धोती पहन ली और आम आवाम के दरमियान चले गए यानी खिदमत खल में लग गए अब इस खिदमत खल को लेके और सियासत को लेके गुजरे हुए कल के निगरान गुजरे हुए कल के सियासतदान और आज के सियासतदान में क्या फर्क देखते बेसिक फर्क नीयत का है पिछले जो सियासतदान थे चाहे जिस कम्युनिटी या जिस सेक्ट्स या जिस जात धर्म के ताल्लुक़ रखने वाले तो उनकी नीयत साफ़ थी उनका गोल साफ था उनका मकसद सामने था मकसद ये था कि किसी तरह इस मुल्क को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया जाए और इस मुल्क को तरक्की की राह पर गजन किया जाए इसत जो एक्सप्लाइटेशन अंग्रेज़ी हुकूमत कर रही थी उसको ख़त्म करके एक साफ सुथरा मुल्क जिसमें सारे लोगों का आज़ादी हो सारे लोगों के हकूक़ की अदायगी हो सके ये हो सके लेकिन जब आज़ादी मिल गई तो कुछ दिनों तक पुराने लोग इस रास्ते पर गजन ज़रूर रहे लेकिन जैसे जैसे माहौल तेज़ बदलता गया तो लोगों ने अपने मकासद बदलने शुरू कर दिए पहले सियासत का ये मकसद हुआ करता था ख़दमत खल असल में मुल्क की तरक्की माशी तरक्की तलीमी तरक्की इकतसदी तरक्की तमाम तरक्याँ लोगों की खुशहाली ये तमाम लेकिन धीरे धीरे लोगों का फोकस कैमरा जो टर्न हो के उनके अपनी साथ अपने खानदान अपना करियर अपनी सोसाइटी अपनी कम्युनिटी पर आ गया जहां ये आया वहीं से खराबियां आना शुरू की फिर लोगों ने वोट बैंक बनाने शुरू किए लोगों ने वोटिंग पॉलिटिक्स शुरू की लोगों ने वोट के ज़रिए कम्युनिटीयों का जातियों का धर्मों का मजहबों का इस शुरू किया और नतीजतन हम आज देख रहे हैं कि एक नफरत की सियासत पूरे मुल्क में फैल रही है वो मुल्क जो मुख्तलफ़लों का गुलदस्ता था जहाँ हिंदू थे दलित थे मुसलमान थे ओ बी सी एस टी एस सी सारे लोगों ने मिलकर आज़ादी की जंग को लड़ा आज़ादी हासिल की उसके बाद ये फट गए टुकड़े टुकड़े हो गए और आज ये आलम हो गया है पहले जात कि मेरा फ़ायदा हो जाए सियासत से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा एक कारपोरेटर एक एम एल ए और एक एम पी यही सोचता सारे लोग ऐसे नहीं हैं लेकिन अक्सरियत इनकी ऐसी हो गई बहुत सारे लोग अच्छे लोग हैं आज भी खदमत करते हैं आज भी वो लोग कारोबार नहीं समझते हैं सियासत को लेकिन ज्यादातर लोग इसको कारोबार समझने लग गए हैं एक बात बीच में आपने कही थी एन वाली वो थोड़ा सी मैं बता दूं कि देखिए क्या होता है कि जब काम फैलता है तो हैंड्स की जरूरत पड़ती है पहले ये होता था कि जैसा आजादी से पहले जो मामला था बीच में मैं बड़ा टॉपिक और मैं आपके पास आऊंगा मैं डिटेल में हम तीनों से डिस्कस करना चाहता हूँ उससे पहले मैं जैद भाई की तरफ आता हूँ बहुत अच्छी बात अभी महराज भाई ने कही कि सियासत जो है उसमें नफरत और उसमें सेल्फ सेंटर्ड होना अपना फ़ायदा सोचना उसने कहीं ना कहीं ख़िदमत खल के जज्बे को कमज़ोर किया है जैद भाई मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था अब उस सवाल पे वापस आता हूँ कि ये जो खदमत खल़ है ये तो इस्लाम का सबसे पहले शेवा है जहाँ इस्लाम जो ये सिखाता है कि आप तब तक खाना ना खाएं जब तक आप अपने पड़ोस में ये प्योर ना कर लें कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया ख्वाब आपका भाई हो ना हो हम मजहब हो ना हो लेकिन आप ये इंश्योर कर लें ये ले खत है आप राह में पड़ा पत्थर उठा के एक तरफ रख दें ये है कहीं आप नावी ना शख्स को देखें उसे रास्ता क्रॉस करा दें है तो ये सब बुनियादी ड्यूटीज हैं इस्लाम में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम है करेक्ट मी आई रॉन्ग तो ये ये मुसलमानों मुसलमानों का शेवा था ये से छिन के दूसरे लोगों के पास कैसे चला गया आज मुसलमान सोशल वर्क करने की बजाय उसे सोशल वर्क किए जाने की जरूरत पड़ रही है उसके साथ ऐसा क्यों कहा क्या कमी आई देखिए बहुत अहम बात यहाँ ये है कि जिस तरह मुसलमान इस्लाम से दूर हुए दीन से दूर हुए अमल से दूर हुए ईमान से दूर हुए नमाज़ से दूर हुए क़ुरान से दूर हुए साथ साथ में खिदमत तो खदमत से भी दूर हो गए तो यहाँ बात यह है कि इस्लाम ने तो वो विजन दिया है कि इंडिविजुअल लेवल से लेकर इंस्टीट्यूशनल लेवल से लेकर पॉलिटिकल लेवल तक हर इंसान की ड्यूटीज़ है तो जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स रास्ता चल रहा है और वो देखता है कि कोई संकट है कोई प्रॉब्लम है पेड़ रास्ते को रोका हुआ है तो अल्लाह के रसूल की हदीस है सही मुस्लिम में कि नबी नबीम ने कहा कि मैंने देखा उस शख्स को कि वो जन्नत में घूम रहा था जिसने रास्ते से पेड़ को काट करके हटाया जो ब्लॉक था रोड ब्लॉक था सोशल वर्क किसी ने नहीं देखा लेकिन अल्लाह ने देखा तो जैसे इस्लाम ने ये सिखाया है कि हर लेवल पर लोगों की ज़िम्मेदारी है मिसाल के तौर पर बहुत ख़तरनाक हदीस बताने वाला हूँ सुन अब दाऊद में है और सुनत में सही सन्नत से है। प्यारे नबी मोहम्मद इसम ने कहा कि वो शख्स जिसे अल्लाह ताला जिम्मेदार बनाता है और लोगों के ऊपर ज़िम्मेदार बनाता है और वो लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होता उनके मसाइल को सॉल्व करने के लिए तो अल्लाह उसके लिए दरवाजे को बंद कर देगा अपनी रहमत के तो अल्लाह के रहमत के दरवाजे उस शख्स के लिए बंद हो जाएंगे यानी ये, ये एक वार्निंग है उस शख्स के लिए कहाँ रिवॉर्ड भी है क्या का साया भी मिलने का चांस है लेकिन साथ साथ में उसके अंदर खतरनाक बात भी है अभी ने कहा कि एक शख्स दस आदमी पे अमीर है वो सिर्फ दस आदमी पे रूल कर रहा है लेकिन अगर वो उनकी नीड्स पूरा नहीं करता तो क्यामत के दिन आएगा उसके हाथ उसकी गर्दन के ऊपर शैकल्स पूरे बांधे हुए होंगे तो ये उसकी सजा होगी यानी ये एक वार्निंग भी है अब यहां क्या बात है कि हम सब अगर एक नजरिया रखें कि एक का टेंशन ले लें अल्लाह ताला का किसी और का नहीं जैसे एक इंसान सारों का टेंशन नहीं ले सकता हम एक मिसाल देखें कि एक शख्स है एक कंपनी में काम कर रहा है जहाँ उसका एक बॉस है और एक है जहां दस बॉसेज है और दस बॉस की उसको बात सुनना पड़ता है तो उसे दस को खुश करना है उसे बहुत ज्यादा टेंशन लेना पड़ेगा जिसको एक को खुश करना है उसे एक का टेंशन लेना है हम ये ना सोचें कि फला लोग क्या कहेंगे फला क्या कहेंगे फला देख रहे हैं फला क्या है हम ये देखें अल्लाह देख रहा है फिनिश अल्लाह खुश है तो बिल्कुल सही बात है कि अल्लाह लोगों के दिलों को भी कंट्रोल करता है और लोगों के दिलों को मायल कर देना वो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है और अल्लाह ताला वो चीज़ देता है और यकीनन ये सब जो उरूज और जवाल है ये अल्लाह ताला की ही तरफ से है उसकी ही मर्जी से हो रहा है तो यकीनन हमारी ड्यूटी थी कि हम दुनिया के इंसानों तक पहुँचाएं बट आज बहुत सैड बात है कि बिल्कुल सही फ्रेज़ आपकी जुबान से निकला कि हमें उल्टा सोशल वर्क की जरूरत पड़ गई पड़ गई हम कई बार जाके कहते हैं कि कोई हमारे लिए कुछ क्यों नहीं करता हालांकि हम करने वाले हैं इस्लाम ने तो ये सिखाया कि यू हैव टू बी द वन हु इज गिविंग हाथ देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से ज़्यादा बेहतर होता है तो हमें सोचना है कि हम कैसे लोगों को बेनिफिट पहुँचा सकते हैं हम फायदा कैसे पहुँचा सकते हैं इन वॉट वे तो बात यहाँ यह है कि ज़िंदगी के अंदर डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं लेकिन अल्लाह रबीन परखता है और उसने ये वादा भी किया है कि जो उसके रास्ते में चलेंगे अल्लाह उनके लिए रास्ते खोल देगा हमवार कर देगा वहाँ से जहाँ से वो सोच भी नहीं सकते हैं तो फैक्ट ये है कि अल्लाह की मदद भी आएगी और हम मुसलमानों को ये रियलाइज़ करना है कि हमारा दिन सिर्फ हमारी मस्जिद तक नहीं है। हमारा दिन सिर्फ हमारी नमाजों तक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा इसपेक्ट ये खिदमत खल का इस्पेक्ट है इस्लाम में जिससे इतनी सारी निकियाँ कमाई जा सकती हैं जो कोई शख्स इमेजन नहीं कर सकता क्योंकि नबीम ने ये नहीं कहा कि बेस्ट आदमी कौन है कहा किस सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल होता है वही अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब भी होता है बहुत खूबसूरत बातें जैद भाई ने हमको बताई इस्लाम आपसे ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ मस्जिदों तक या जाना तक महदूद होकर रह जाए बल्कि अपनी आम जिंदगी में ख़दमत ख़ल को इसी तरह शामिल कर लें जिस तरह आप दूसरी इबादत को रखते हैं तब आपके मुसलमान होने का हक पूरा होगा नाजरीन आइए इसलम भाई के पास चलते हैं और हाँ असलम भाई से हम जाने की कोशिश करते हैं असलम भाई ये एन जी ओज़ होते क्या हैं इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरन को ये बताएं हम आमतौर पर सुनते हैं एन जी ओ फ़ एन जी ओ की फला लीडर फला एन जी ओ ने ये किया ये किया ये एन जी ओज है क्या इनफैक्ट देखिए दो चीजें हैं एक होती है गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एन जी ओ मीन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिससे जो एक सिस्टम है हमारे इस देश के अंदर ये सिस्टम से इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है ये सिस्टम से इनकी कोई लेन देन या पगार या इस तरीके की कोई तालमेल नहीं होती है और इनका काम होता है कि एक वॉच डॉग की तरह जो सिस्टम काम कर रहा है उसके ऊपर नजर रखना या सिस्टम से कहीं लैपिस हो रही है उसको सही करवाना यानी बेसिकली जो काम एक सियासत सियासतमंद जो करते हैं उसका ही एक पैरेलल वर्जन है मतलब मॉरल एंड सोशल पॉलिसी मॉरलिंग समझो एकदम पूरी अच्छे तरीके से वही है लेकिन जिस तरीके से मिराज भाई ने बताया कि आज जो स्टेटस है वो पॉलिटिशियंस का बहुत ज्यादा गिरा हुआ है उसमें मैं बिल्कुल उनसे अग्री करता हूँ उसमें कोई दो मत नहीं क्योंकि जिस तरीके से आज मीडिया एक्टिव हुआ है तो सारी चीज़ें एक्सपोज होने लगी है उस वक्त एक मीडिया नहीं देखता था, था एक आदमी एक रेडियो लेके अपने गांव में बैठता था तो पूरा गांव उसको सुनता था आज घर घर के अंदर जो है वो मीडिया पहुंची हुई है और जैसे भाई साहब ने बताया एकदम सही है कि मुसलमान कमज़ोर और पीछे क्यों रह गया वो सबसे बड़ा ही उन्होंने उसका उदाहरण दे दिया कि उसने इस्लाम को छोड़ दिया इस्लाम की सबक को छोड़ दिया इस्लाम क्या सिखाता है जो आज हम देख रहे हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त पेशन गोई कर दी थी एक भी चीज़ आज जो हो रही है उसकी पेशन गोई नहीं हुई होगी वो मुझे बोलिए मैं उसके ऊपर चार घंटा डिबेट करने के लिए तैयार छोटी सी छोटी चीज़ के घर घर में जो नाच गानों से लेके आदमी जो हवाई पे जाएगा चांद पे जाएगा ये सारी पेशन गोइयां जो है कई सौ साल पहले हुई है आज जो हाथ देने वाले थे वो लेने वाले क्यों हो गए क्योंकि हम वो देने वाले की सफ़ों को छोड़ के लेने वालों की सफ़ों में चले गए हम हमारी तवारी घूम गए हमारी हदीसें भूल गए हमें कुरान शरीफ़ में किस तरीके को एक मुसलमान को चलना चाहिए वो सारी चीज़ें भूल गए एक पड़ोसी को खिलाने के बाद हमें खाना है वो चीज़ें हम भूल गए हमने बड़ी बड़ी मस्जिदें तो बना दी लेकिन आज सिर्फ जुमा की दो रकात तक का जो है वो महदूद रह गई है उसके बाद अगर आप जाओगे तो आप हार्डली टेन परसेंट लोगों को पाएंगे तो इसीलिए जो एजुकेशन लेवल का मैंने आपको बताया था कि वही कौम तरक्की करती है और आज आपको पता होगा कि इस्लाम में कहा गया तिजारत करिए ये उस वक्त जो वर्ल्ड आज आए हैं ना ये तो इस्लाम जब बना उस वक्त कहा था कोई दूर तक का कोई फर्श से लेके चांद तक का इसका कोई इमेजिनेशन था तो वही चीजें आज जो उन्होंने राह बताई थी वो हम उस राह पे नहीं चले उस राह को जो लोगों ने पकड़ा वो तरक्की करे जा रहे हैं कॉपोरेट वर्ल्ड में जो लोग हैं आज हमारे सो so सोकॉल बहुत कम लोग हैं नहीं के बराबर हैं समझो आज अगर दस या पंद्रह जो लिस्ट ली जाएगी बिलियनर्स लोगों की उसमें हमारा कोई एक भी नहीं है डेफिनेटली नहीं है इसलिए कि हमने कहीं कही ना कहीं वो चीज़ को पकड़ा नहीं सही तरीके से गए नहीं एकदम सही कहा कि हम अगर उस तरीके से होते और हम सिर्फ हमारा रिलीजन को सही तरीके से फॉलो करें दीन और दुनिया दोनों में हम इंशाल्लाह जो है वसीब बन अगर हम अपने रिलीजन अपने अपने मज़हब को ठीक तरह से फॉलो करें तो दीन और दुनिया दोनों में कहीं कोई कमी कोई फर्क ना रहे मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन ना सका तो मन के इस पाप को धोना है मन के अंदर जमे हुए पाप के इस महल को निकालना है और अपने मजहब को ठीक से समझना है और उस पर चलना है हमारी दिक्कतें दूर हो जाएगी आइए मेराज भाई से पूछते हैं कि मेराज भाई आप आज के जमाने में आज के माहौल में एन का क्या रोल पाते हैं ठीक है आज के जमाने में एनजी का बहुत बड़ा रोल है लोग ज्यादा हो गए हैं काम ज़्यादा हो गया है और सियासतदान मतलब प्रस्त हो गए हैं मौका प्रस्त हो गए हैं अपरचुनिस्ट हो गए हैं तो एक एम एल ए एक कारपोरेटर एक एम पी चुन के आने के बाद जितनी तवज्जो और ईमानदारी के साथ लोगों की खदमत किया करता था उसमें जितनी कमी आई तो गैप हो गया तो जब हमारे आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने महसूस किया तो एन जी ओज़ बनाई और एन जी ओज़ के थ्रू काम करना शुरू किया उसमें दो तीन तरह के काम होते हैं एक तो वो इन्फॉर्मेशन वो लोगों के फ़ायदे की स्कीम्स जो गवर्नमेंट बनाती है वो सरकारी नौकर जो है वो पूरी ईमानदारी से लोगों के पास नहीं पहुंचाते नतीजतन आपने देखा होगा कि बहुत सारे फंड्स बनते हैं असम शेख साहब जानते होंगे और वो इस्तेमाल ना होने की वजह से लेप्स हो जाते हैं पड़े रहते हैं लेब्स हो जाते हैं उसमें खुर्द बुर्द होती है उसका मिसयूज़ होता है तो ये एन लोगों तक इसको इन्फॉर्म करती हैं कि ये स्कीमें हैं आप ऐसे ऐसे फ़ायदा उठा सकते हैं ये काम करके ये काम करके ये काम करके उसके अलावा स्कूल बनाने के काम कॉलेज़ बनाने के काम और तीसरी बात जो असलम साहब ने कही वॉश डॉक्ट का कि कुछ गवर्नमेंट की स्कीमें ऐसी आई जो अवामनास के लिए जनता के लिए नुकसानदेह हो तो उनके लिए वो लोग लो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं लोगों तक बताते हैं कि भाई ये काम गलत हो रहा है उसके लिए फिर बहुत सारे जो जमहूरी तरीक़े हैं मोर्चा धरना मगरम एक्स वाई जेड सब करते हैं तो ये फ़र्क होता है एन में और इसीलिए आज एन का भी चल ये बात अलग है एन जी ओज में भी शुरू हो गई है मैं इस पे आने वाला देखिए ऐसा है, जब खराबी आती है किसी मुल्क में जब खराबी आना शुरू होती है तो उसके असरा नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक सबको मुतासर करता है मिराज भाई ये खराबी से आपकी क्या मुराद है खराबी खराव? से मुराद अव्वल चीज ईमानदारी कि आप को जो जिम्मेदारी दी गई है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी वो पूरा ना करते हुए आप दूसरे काम में लग गए अपनी जात के लिए लग गए अपनी कम्युनिटी के लिए सिर्फ लग गए एक मिनट मैं आपके पास वापस आता भाई अपनी जात के लिए कुछ करना अपनी जात पे लग जाना साहब की से बहुत अच्छी बात तो निकली सिर्फ अपनी जात जात के के लिए लिए हाँ, सिर्फ सिर्फ चलिए कह लीजिए अपनी लग जाना कोई बुरी बात देखिए कोई एक इंसान है जो बिजनेस कर रहा है खुद के लिए वो बिजनेस कर रहा है लेकिन जहाँ पे जो काम अल्लाह के लिए होता है वो काम के अंदर अल्लाह के लिए रहने देना है जैसे नमाज कोई पढ़ रहा है तो अल्लाह के लिए उसके अंदर कोई और मकसद ना हो अब यहां ये बात है कि मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल तौर पर एक पॉलिटिशियन है जो कई लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है हमें यह समझना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला वहा इनम आमाल बिनियात आमाल का दारोमदार नीयतों पर है अब एक पॉलिटिशियन है जो सिंसियरली अल्लाह के लिए कर रहा है और लोगों को बेनिफिट पहुंच रहा है अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी नवाज रहा है आखिरत का भी उसका जखीरा जमा हो रहा है लेकिन एक दूसरा पॉलिटिशियन है जो ये नहीं सोचता है कि अल्लाह के लिए है ही इज़ नॉट बॉर्डर्ड उसे ये चाहिए बस मैं सामने करूँ ताकि पर्टिकुलर मेरे वोट्स जमा हो जाए हम जानते हैं कि ये इन दिखती कैसे है जब पॉलिटिशन सिर्फ इलेक्शन टाइम पे दिखाई दें तो पता चल जाता है कि ये सिंसियर नहीं है पब्लिक भी समझती है बात तो मान लीजिए जैसे मिसाल के तौर पर जो एरियाज़ में कहीं कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है वहाँ पे काम करने में अगर किसी को इंटरेस्ट ना हो तो ये पता चलता है कि यहाँ अगर अल्लाह के लिए होता तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रायोरिटी अहमियत जहाँ ज़्यादा है जहाँ ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सकता है तो जहां वोट्स ज़्यादा मिल सकते हैं वो पर्टिकुलर प्रायोरिटी है या अल्लाह के लिए करना ज़्यादा प्रायोरिटी लेकिन हम ये देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आउटसाइड सेम होगा लेकिन अंदर की नीयत की बात होगी मतलब एक सेम काम एक शख्स गलत नीयत से भी कर सकता है और एक शख्स अच्छी नीयत से भी कर सकता है अब हम ये देखते हैं कि आज हम लोग अगर रियली चाह रहे हैं और अगर ये जो डिस्कशन हो रहा है ये डिस्कशन से हम चाहते हैं कि एक अच्छा रिजल्ट पैदा हो तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों से अपील करें और सब आवाम से लोगों से यहाँ तक आके पॉलिटिशियन से कि हम सब को अपनी नीयत को खालस अल्लाह के लिए करना है क्यों क्योंकि हाथ दिए हुए अल्लाह के माल दिया हुआ अल्लाह का पोजिशन दी हुई अल्लाह ताकत दिया हुआ अल्लाह अल्ला की तमाम चीज़ें दी हुई जब अल्लाह की तो अल्लाह ताला वापस भी लेगा और इंसानों को हिसाब देना होगा इंसानों को अल्लाह के सामने यकीन खड़ा होना पड़ेगा तो तब ये देखें कि कई बार ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर बहुत सारे एन होते हैं बहुत सारे पोलिटिकल पार्टी के वर्कर्स होते हैं उनका एक मकसद जैसे मिसाल के तौर पर किसी का ये है कि मेरा नाम हो जाए या किसी का ये हो कि मेरी फोटो बोर्ड पर आ जाए तो वो चीज़ प्रायोरिटी ना बने बल्कि ये हो कि अल्लाह ताला के नज़दीक मुझे एक क्यामत के दिन जब मैं खड़ा हो रहाँ तो एक ऐसा अमल हो जाए जो मुझे आखिर में बचा ले एक ऐसी चीज़ हो जो तराजू में एक वजन बन जाए जिससे कि मैं अपनी ज़िंदगी के मकसद को पाने में कामयाब हो जाऊँ और फेलियर वाले लोगों की लिस्ट में नहीं बल्कि कामयाब लोगों की लिस्ट में मेरा नाम आ जाए तो ये सिंसियरिटी रूट से जब तक नहीं आएगी ना तो तब तक आप जो बात कर रहे हो जो आप बात लेमेंट कर रहे थे कि पास के ज़माने में और अभी के ज़माने में तो हम देखते हैं कि जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है तो बुराई भी जैसे एक लेवल आगे बढ़ती दिख रही है पता नहीं आगे के ज़माने और दौर में और कितनी बुराइयाँ आगे बढ़ेगी लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम सोल्यूशन का हिस्सा बने तो हम सबके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी नीयतों को और इंटेंशन को और कनेक्शन को सिर्फ अल्लाह के साथ कर दें और जब वो होगा तो तब रियल सोशल वर्क स्टार्ट होगा और रियल पॉलिटिकल बेनिफिट लोगों तक पहुंचेगा। जब जब हम लोग अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी ऑल माइटी अल्लाह रबुल्ज के हवाले कर देंगे तब ये अच्छाइये पैदा होंगी जिनके हम ख्वाब देखते हैं आइए इस गुफ्तु को एक नया मोड़ देते हैं आमतौर पर जब सियासत और खिदमत ख़िमत ख़ल पर बात होती है तो हमेशा पॉलिटिशियंस को और एन जी ओस को और काम करने वाले लोगों को और उनकी बेमानियों को और उनकी ईमानदारी को और उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को गिना जाता है और उस पर बात की जाती है लेकिन आइए अब आज हम थोड़ी देर के लिए एक छोटे सेगमेंट में बात करें कि इन सियासतदानों की परेशानियाँ है क्या हैं इन खिदमत ख़ल करने वालों की परेशानियाँ क्या हैं एक नया पहलू होगा जो आमतौर पर गुफ्तु में नहीं परेशानी क्या है उसमें सबसे बुनियादी परेशानी जो मैं देखता हूँ मेरे नुक़ः नज़र से असलम भाई और ज्यादा डिटेल में बताएंगे वो ये जैसे किसी भी सियासतदान असलम भाई को ले लें मिसाल के तौर पर असलम भाई अगर एम एल ए हैं बहुत सारा खर्चा करके एम एल ए बने हैं और उसके बाद आज उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक सर्टन अमाउंट मिलता होगा या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्टन अमाउंट मिलता होगा एक तनख्वाह की तरह जिसे कह लें जैसे मुझे या आपको या हमारे समाज के तमाम लोगों को मिलता है क्या वो इनकी जिंदगी चलाने के लिए काफी है मुझे लगता है कि बिल्कुल काफी नहीं है का खर्च है सोशल वर्क का उसी में उठ जाता होगा मेरे ख्याल में वो बाकी का मामला कहां से आए फिर एक बात दूसरी बात दूसरी क्या एक पॉलिटिशियन को अपना करियर बनाने या करियर ओरिएंटेड होने का हक नहीं है असलम भाई ये ज्यादा परेशानी आप बता पाएंगे आप बताइए प्लीज कि दो चीजें हैं आपको मैं बताना चाहूंगा कि परेशानियां और तजारत अब परेशानियां जिस तरीके से पहली बात यह है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी एम को तनख्ह के नाम पे या रेमोनोरेशन के नाम पे या भत्तों और अलाउंस के नाम पे क्या मिलता है देखो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट महाराष्ट्र कह लें महाराष्ट्र में अगर आप पकड़ेंगे तो आप देखिए कि एक सत्तर बहत्तर हजार रुपए का मंथली पैकेज मिलता है अब आप बताइए अगर उस बेस पे अगर हम पकड़ेंगे मैं वही कह रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ मैं एक ही सत्तर बहत्तर हजार का मातम मना लू थोड़ी देर एक स्टेट का एम जो चार साढ़े चार लाख लोगों की देख रेख करता है उसके बाद इलेक्शन लड़ता है इलेक्शन लड़के रोजमर्रा के खर्च निकालता है एक ऑफिस लेके बैठता है दो चार गाड़ियां लेके चलता है साथ में अगर गनमैन होता है तो उसको खाना खिलाना पड़ता है उसको भी भत्ता वत्ता कुछ देना पड़ता होगा आई है आप बहत्तर हजार रुपए में कैसे काम चलाते हैं ये बताइए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मॉनिटर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है परेशानियां जो होती है ये जो एक पॉलिटिशियंस की जिस तरीके से क्रिटिसाइज हो रहे हैं आज पूरे देश भर में जो है जिस तरीके से पॉलिटिशियन को गिराया जा रहा है कि ये अपना करियर बनाने में लगे हुए हैं ये लोगों में ध्यान नहीं देते हैं जो लोग ये क्रिटिसाइज करते हैं ना पैनल पे बैठ के बड़ा आसान है, है। फला आप जो बैठे हो और आप आए अपनी दो कलम लिखी और आधा घंटा आपने बोल दिया ये बड़ा आसान है बोलना लेकिन इसको लिखने में आपका जहन कितना गया कितना देर आपको तैयारी करनी पड़ी क्या पूछना है जब जवाब यूं आएगा तो उसके अगेंस्ट में क्या बोलना है उसकी तैयारी करके आपको आना पड़ता है उसी तरीके से एक पॉलिटिशियन जो होता है उसकी मैं आप थोड़ी आपको बताऊंगा मैं ये नहीं बताता हूँ कि फिर उसमें लोग चैनल में मैं कल एक डिबेट देख रहा था उसमें बोला था अगर आपको ये परेशानियां तो आप आए क्यों हमारा आने का मकसद है इसमें हम आए क्यों नहीं हम आए, आए आपके बोलने के हिसाब से नहीं आए हम आए हमने ये फील्ड चुना देखिए हम चाहते हैं तो हम तिजारत करते हैं और अपने घर में आराम से बैठते हैं लेकिन हमारे कौम हमारे लोगों को अगर मदद करनी है हमारे लोगों की हिफाजत करनी है या उनको तरक्की की राय देना है तो मेरे साथ उनकी तरक्की होना भी बहुत जरूरी है और जब तक का आप एक पोजीशन पर नहीं बैठते तब तक आप लोगों को मदद नहीं कर सकते हो आप एक समझो अपनी तिजारत के माध्यम से अगर आप दो करोड़ रुपया कमाते हो तो समझो उसमें आप पचीस पचास लाख रुपया आप जो है वो लोगों को दे सकते हो लेकिन आप एक नुमाइंदे जब बनते हो तो जो अपने लोग हैं उनकी तकलीफ़ें है, उसको अगर 20 करोड़ रुपया भी लगता है तो आप सरकार से लड़के उनके लिए लगा सकते हो उनका जरिया बन सकते हो उनको उस बेहाली से बाहर निकालने का तकलीफ़ें ये है कि एक पॉलिटिशियन की मुझे लगता है कि आज पर्सनल लाइफ लगभग जीरो हो जाती है ऑफिस में आ तो जाते हैं अपने मर्जी से जाने का कोई टाइम नहीं अगर इस बीच उठ के गए तो बोले देखिए हम दो घंटे से रुके थे आप उठ के चले गए शादी में जाना है आठ आठ दस दस शादियां हैं आपको आना ही है आप आइए प्लीज वो नहीं चाहते हुए भी उसे उसको फुलफिल करना है उसकी जिंदगानी जो उस तरीके से चलती है ये सारी चीजें कभी कोई उठाता नहीं है और इस्लाम ने दो चीजें कही जैसे इन्होंने कहा कि पोस्टर्स बैनर्स वगैरह क्यों दो चीजें इस्लाम ने कही है कहीं कहा है कि छुपा के दो और कहीं कहा है कि दिखा के दो छुपा के इसलिए दो कि अगर किसी गरीब को अगर आप मदद कर रहे हो तो उसकी शर्म महसूस ना हो तुम्हारा तो छुपा के दो। दो। और दिखा के कहीं जगह इसलिए दिया गया है कि कहीं अच्छी इमारत बन रही है कहीं कोई बहुत बड़ा स्कूल बन रहा है मस्जिद बन रही है कोई अच्छा चीज बन रहा है आप दिखाओ ताकि आपको देखे और दो लोग उसमें पार्टिसिपेट करे ये सारी चीजें हैं और इंसान तरक्की क्यों ना करे कोई भी पॉलिटिशियन हो कोई भी आदमी हो वो जरूरी थोड़ी कि सत्तर बहत्तर पे अपनी जिंदगी निकाले अगर उसे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो अपनी हलाल की कमाई को ईमानदारी से उसको आगे ले जा कहता है उसको तरक्की करने का पूरा अधिकार है ये थोड़ी है कि अगर वो सियासत मन बन गया तो बस उसे आधा पेट ही खाना खाना है या उस एरिया में अगर कुछ लोग जो है बेचारे नहीं अच्छे घर में रह पाते तो उसको भी अपना घर छोड़ के वहीं रहना है मैं आपको बीच में। क्यों करे वो बिजनेस उससे बहत्तर हजार को बढ़ा के उसकी जरूरत पूरा करने तक बनाओ ना वो बिजनेस में अपना वक्त देगा जो आदमी अपने बीवी बच्चों अपने घर को वक्त नहीं दे पा रहा सोशल वर्क में समाज के लिए काम करने में उसका अटेंशन डाइवर्ट करके आप बिजनेस की तरफ क्यों ले जा रहे हैं बिजनेस मैन है हमें लोग करने के लिए ना बिजनेस करने वाले इस बहत्तर हजार को कम से कम उस बेचारे की जरूरतें पूरी होने तक तो लेके जाओ इतना तो हो कि वो वो उसे बेमान होने का मौका दे क्यों रहे हम आइए मेराज भाई के पास आते हैं मेराज भाई सियासत के हवाले से अभी असलम भाई ने बताया और सोशल वर्क के एन के हवाले से हम आमतौर पर देखते हैं कि हम सोशल वर्कर को एक वेलकम करते हैं देखते रहिए ये बड़ा काम कर रहे हैं कभी ये नहीं देखते कि इन काम करने के पीछे जो इनकी अपनी ज़रूरतें हैं वो कहाँ से पूरी हो रही अगर हमें ये मालूम हो जाए कि एक एन में काम करने वाले शख्स ने एन के अकाउंट से कुर्ता बना लिया या पैंट बना ली फौरन हम उसके ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देंगे हम ये नहीं देखते कि वो घर से दफ्तर तक या दफ्तर से उस जगह तक जहाँ सोशल वर्क होना आता है तो वहाँ ऑटो भी लगता है उसमें भी पैसे खर्च होते होंगे या उसके घर पे पीछे उसके बच्चे बैठे हैं उनको भी जरूरत होती होगी तो क्या ऐसा कुछ हमारे निज़ाम में कहीं गड़बड़ है मैं पूछना यह चाहता हूँ कि जो हमारा सोशल वर्क का निज़ाम है सियासत का निज़ाम है इसमें कहीं कुछ गड़बड़ है क्या जहाँ हमने कुछ नासाफिया की हैं कुछ लोगों के साथ सियासत करने वालों के साथ खिदत ख़ल करने वालों के साथ या उन लोगों के साथ जिनके साथ खिदमत खल हो रही है या जिनके लिए सियासत हो रही है बड़ा वसी मौ है ये खराबियाँ चारों तरफ से परेशानियाँ भी चारों तरफ से हैं बस में आदमी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं कर पाता क्योंकि ऐसा है खिदमत खल जो है ना खालिश नेक नियति से की जानी चाहिए खदमत खल करने वाला ये ना सोचे कि उससे मेरे जेब भरेगी नहीं भरेगी अगर ये नियत बना हाँ एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए लेकिन क्या होता है देखिए अब एक माशरा है ये इसमें से कोई लीडर आएगा तो उसी माशरे से आएगा तो उस माशरे में जो खराबियाँ होंगी तकरीबन सारी खराबियाँ उस लीडर में होंगी उस टीचर में होंगी उस डॉक्टर में होंगी उस इंजीनियर में होंगी उस सोशल वर्कर में होंगी तो मुआरा ये मुआरा जो है जैसा होगा कुछ उन्नीस बीस अच्छा बुरा हम ये चाहते हैं कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और ख़ास कर ये सोचें कि मेरे वजूद का मकसद क्या है अल्लाह ने इस दुनिया में मुझे क्यों भेजा है सिर्फ खाने कमाने अपनी फैमिली को देखने अपनी कम्युनिटी को देखने या कुछ और भी मकसद है अगर हम अपने मकसद को टारगेट कर लें तो फिर ज़रूरतों को महदूद कर लेता आदमी कोई सोशल वर्कर जब सोशल वर्क के मैदान में आता खदमत खल के मैदान में आता तो ये सारी प्लानिंग के साथ आता है या आना चाहिए ये, वो क्या प्लानिंग हो सकती है बग़ैर बेमानी के बग़ैर बेमानी को सोच लें कि भाई मेरे पास 24 घंटे हैं मुझे सात घंटे सोना है बायों घंटों में मुझे इतना काम अपने पेट अपनी फैमिली के लिए करना है इतनी अर्निंग इतना काम लोगों के लिए करना है इतना इसके लिए अगर वो निजामुल निज़ामत बना ले तो मेरे ख़्याल से ख़राबियाँ आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और अभी असलम साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए गुनाह के मौाक़े का ना मिलना भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है बेश बेश सच्ची बात है आपको किसी काजल या कोयले की कोठरी में भेज दिया जाए और आपसे ये उम्मीद रखी जाए पूरी कि आप कपड़े मुझे ले कपड़े लेंगे मुझले कपड़े ले आए तो बड़ी अजीब बात है लेकिन अल्लाह ताला आपको ये मौका ही नहीं दे कि आप गुनाहों के रास्ते पे जाएं गुनाह आपके पास चल कर आए तो इससे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की कोई नहीं हो सकती मैं भी अक्सर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला वो मौक़े ही ना आने दे कि मेरे ईमान की आजमाइश होने लगे कमज़ोर ईमान नातमा काने इसमें आजमाइश तो हम तो तो होना ये चाहिए कि कोई सोशल वर्कर अगर सोशल वर्क के मैदान में आता है तो उसका अपना मैनेजमेंट कर ले कि मुझे इतना हिस्सा अपनी फैमिली की अर्निंग के लिए देना है यहाँ से अर्न करना है और ये देना है इतना हिस्सा मुझे लोगों की खदमत के लिए देना है अगर ये करके आता है तो उसे मायूसी भी नहीं होगी वो मसाइल में भी नहीं घिरेगा इल्ला माशाल्लाह और फिर आज़माइशें तो अल्लाह की तरफ से आती रहती हैं आज़माशें मद होना चाहिए आदमी को लेकिन इसलिए नहीं आना चाहिए और ये सोचकर सोशल वर्क नहीं रोक देना चाहिए कि मेरे घर का क्या होगा घर को सामने रख के देखिए माजी में आप चले जाइए इस्लाम तो बहुत जबरदस्त जैद पटेल साहब बताएंगे हजूर कम से लेकर साहबा तब ताबीन और गुरु ने बोला इस्लाम भी सुनहरे दौर तक टाइम मैनेजमेंट का जो आज हम कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट उस जमाने में आप देख लीजिए टाइम मैनेजमेंट अपना घर अपनी फैमिली अपना सब कुछ देखते हुए वो अल्लाह के दीन को तो फैलाने का काम करते थे हर सतह पर तजारत भी कर रहे हैं रातों को खड़े होकर क्याम करके अल्लाह की बारगाह में रो रो कर सजदे भी कर रहे हैं और तजारत भी कर रहे हैं मैदान जंग में लड़ भी रहे हैं इस्लाम को गालिब करने के लिए और रातों को रो भी रहे हैं एक्स के लिए रो रहे हैं जेड के लिए रो रहे हैं वाई के लिए रो रहे हैं अपने लिए रो रहे हैं ये कंसेप्ट हमको वापस उसी वक्त ला सकते हैं जब हम दोबारा कुरान को मजबूती से पकड़ लें अल्लाह के रसुल के उसवे को मजबूती से पकड़ लें तो फिर तमाम मायूसियां और एक बात मैं आखिर में कहना चाहूंगा कि देखिए मायूसी शैतान का सबसे बड़ा हथियार एक मोमिन के लिए एक मोमिन शो शब के मैदान में आता है और उसको पजीराई ना मिले उसको काम ना हो उसका ना तो शैतान उसमें मायूसी डाल देता है मायूसी का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उसकी रफ्तार में कमी आ जाती है रफ्तार सुस्त हो जाती है वो बद्दिल हो जाता है बहुत अच्छी बात हर मैदान पर जिंदगी के हर मैदान में मायूसी बड़ा नेगेटिव रोल अदा करती है शैतान का है, मायूसी मेराज मेराज भाई भाई ने हम सबको सबको मायूस होने से आमीन भाई बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं आप सबको और हम सबको कि मायूसी से दुनिया का कोई भी मैदान हो उसमें बचें अपने बच्चों को बचाएं अपने आप को बचाएं मायूसी कुछ भी ना करे कम से कम आपकी रफ्तार को सुस्त जरूर कर देती है आइए जैद भाई के पास चलते हैं जैद भाई ये जो सवाल मेरा मेराज भाई से था और आश्रम शेख साहब से था वही आपसे भी है लेकिन सवाल पूछने का जो मकसद है वो ये है कि एक आम आदमी या एक आम मुसलमान कह लीजिए वो अगर ईमानदारी के साथ सोशल वर्क और सियासत करना चाहे तो वो किस तरह से अपने खानदान और अपने स्टेटस को और अपने बीवी बच्चों को कैसे फीड करे कैसे चलाए जी उसमें इस्लाम का नजरिया क्या है होता यह है कि ये एक पूरा चेन रिएक्शन हम चेन रिएक्शन के एक सेगमेंट को खाली नहीं देख सकते हैं जरा आप इमेजिन करिए मिसाल के तौर पर एक सामने पॉलिटिकल अचीवमेंट हासिल करने की कोशिश है ताकि अच्छा काम हो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे नियतों के लोग होते हैं हम नियतों की बात नहीं कर रहे हैं जैसा कि मैंने कहा कि सेम काम दो आदमी करेंगे एक के लिए अज्र है दूसरे के लिए सजा है उसी काम के लिए तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल अचीवमेंट हासिल करने के क्या रास्ते हैं एक रास्ता ये है कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करो सोशल वर्क करो फायदा पहुंचाओ कंसिस्टेंट लॉन्ग ऑनेस्ट ट्रसवरी रिकॉर्ड सालों साल तक बने और लोगों को फायदा हो तो एक बात वो चीज जरूर काउंट होगी लेकिन दूसरा एक तरीका ये होता है कि एक पैसों के डब्बे को खोल दो और पे करना शुरू करो और इजी पेमेंट के जरिए वोट्स खरीदे भी जाते हैं बिकते भी हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको सिर्फ इमिजिएट प्रोपगेंडा दिखता है आज प्रोपागेंडा और मीडिया के जरिए बल्कि जो मैं बिल बोर्ड वगैरह की बात कर रहा था उसके जरिए भी लोगों के दिमागों को कंट्रोल किया जाता है उन्हें ऐसा लगता है कि जो चीज दिखती है वही डोमिनेंट है जो दिखता है लोगों है। का जहन इस तरह से है एक्चुअली क्या कर सकते हैं राइट तो हम ये देखते हैं कि लोगों की भी एक इमेचोरिटी है इसमें कि वो लोग अपने इमिजिएट को सामने देखते हैं अपने टेम्प्ररी बेनिफिट को देखते हैं अपने इमीजिएट फायदे को देखते हैं इमेजियट प्रोपागेंडा को देखते हैं कोई जगह पर कभी ऐसा होता है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है डिविजनल पॉलिटिक्स होती है तो लोग उसमें वो तो मेचोरिटी रखते नहीं हैं और बाद में कंप्लेन करते हैं कि हमें ऐसे पॉलिटिशियंस क्यों मिलते हैं तो ये चीज़ के अवाम भी तो जिम्मेदार हैं कहीं वो लोग भी तो जिम्मेदार हैं होना क्या चाहिए जी मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि मतलब लीडर अच्छा नहीं है तो उसके लिए वहाँ ज़िम्मेदार है और मैं इसे इस हद तक इतफाक़ करता हूँ कि हम वो कौम है वो कौम हो गए हैं कि जो अपने इमामों को अपने सदके खिलाते हैं हमारे घरों से जो खाने जाते हैं उन लोग उन इमामों को और उन मौजिनों को जो हमें लीड कर रहे हैं जो हमें जन्नत और दोजक़ की तरफ ले जाने वाली नमाजों की इमामत करते हैं हम उन्हें अपने सदके खैरात और फितरे खिला रहे हैं हम कैसी कौम है हमें मुहाजबा करना चाहिए अब इसमें हम ये देखते हैं होना क्या चाहिए ये चेंज रिएक्शन को चेंज कहाँ करना होगा तो एक आवाम के अंदर बेदारी हो अवेयरनेस हो मेच्योरिटी हो सेंसिबिलिटी हो इमिजिएट शॉर्ट टर्म एंड बेनिफिट्स को देखने की जगह वो लॉन्ग टर्म और सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट की जगह कम्युनिटी बेनिफिट्स को देखने और सोचने लगेंगे तो फिर क्या होगा कि पॉलिटिकल लेवल पर भी चेंज होगा अब एक तरफ इसमें ये सोच है मुसलमानों में जब इस्लाम की आप बात करते हैं तो मुसलमानों में एक सोच ये है रुखबानियत वाली सोच जिसके अंदर ये कहा जाता है कि कोई भी मेजर पब्लिक फिगर को कोई हक नहीं है कि वो खुद कुछ बिजनेस करे या ख़ुद कुछ काम करे उसे एक तरफ तो ये कहा जाता है कि उसे बिल्कुल महरूम सी जिंदगी जीनी होगी लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक ऐसी बात है कि हम जानते हैं कि साबित करती है कि आज हमारे पॉलिटिशियंस जो लार्जली कंट्री की मैं जनरल बात बोल रहा हूँ तो कोई और का सोशल सर्विस हुई या नहीं हुई तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस की तो बहुत बड़ी सर्विस हो गई बहुत सारे स्विस बैंक अकाउंट्स भरे पड़े हैं बहुत सारी चीजें हैं आमीर तो ये है। एक, एक सैड रियलिटी है ये सैड रियलिटी का हम सब हिस्सा है और हम सब जिम्मेदार हैं तो हम ये देखते हैं कि ये पूरा एक फ्लो है जो जब तक चेंज ना हो जाए अब ये सीनारियो कैसे चेंज हो सकता है तो हमें देखना होगा कि राइट टू द लास्ट मैन टिल द टॉप लीडरशिप हमें ये चेंज को लाना होगा अपनी जहनीत और सोच में और इस चीज के अंदर फिर एक बार जैसे दुनिया के अंदर इंसानों में बुराइयां थी कहाँ पर औरतों को कोई हक नहीं दिया जाता था गुलामों के साथ जुल्म किया जाता था उस जमाने में इस्लाम ने ही तो आके रोशनी दिखाई थी आज के जमाने में और ये जो अंधेरा छाया हुआ है ये जो बुराइयां स्प्रेड आउट है अलग अलग तरफ आवाजें आती है लेकिन इसमें भी आई बिलीव कि जो लोगों को अल्लाह ताला ने ईमान दिया है और वो लोग जिन्होंने अल्लाह अपने मालिक के साथ संबंध रिलेशन जोड़ लिया जिनके लिए मकसद दुनिया नहीं आखिरत है तो उन्हें इस चीज के अंदर एक रोशनी ले जानी होगी और पहुंचानी होगी दुनिया के इंसानों तक और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हम उसके अंदर अल्लाह के लिए खालिस करना ना शुरू करें तो चेंज कहाँ से आएगा वो लास्ट एक स्मॉल इंसान से जो हो सकता है रास्ते में कोई पड़ी हुई तकलीफ को दूर कर रहा है और जब वो उसकी सोच होती है तो जब वो सोच रखता है तो पॉलिटिकल तौर पर भी उसे वही सोच रखनी होगी तो हम ये देखते हैं कि हमारे लिए बहुत जरूरी बात है कि हम सही नुमाइंदों को लाए और नुमाइंदे जो हैं उनकी भी एक बार बार इसलाह और करेक्शन इम्प्रूवमेंट एक दूसरे का मुहासबा जायजा आईने का काम वो हर किसी को करना है ताकि एक बड़ा फायदा हम पहुंचाने वाले बन जाएं हम दुनिया के इंसानों तक ये पॉलिटिकल चेंज लाने वाले भी बन जाएं लेकिन सिस्टम में कहीं कुछ प्रॉब्लम है जो सिस्टम की प्रॉब्लम्स इस चीज़ को पनपने देते हैं और हम सबको ये सोचना होगा कि कैसे ये चीज चेंज हो सकती है हमारे सिस्टम हमारे निज़ाम में नाजरीन प्रॉब्लम है और उसे हमें कहीं ना कहीं दूर करना होगा और प्रॉब्लम दूर होती है इनकलाब आते हैं बदलाव आते हैं तब जब हम सबसे पहले अपने आप को बदलते हैं जरूरत है अपने आप को बदलने की हमारा समाज अपने आप बदल जाएगा आइए क्योंकि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है असलम भाई एन जी ओज के हवाले से और खिदमत खल के हवाले से आखिरी सवाल पूछूँ फिर मैं आऊंगा मुसलमान और सियासत और मुसलमानों की सियासी दिक्कतों के ऊपर आप तीनों से एक छोटा छोटा रिएक्शन एक सवाल पे और सवाल मेरा यह है कि क्या ये हिंदुस्तान में मौजूद बड़े बड़े एनजी ओज सियासतदानों की दुकानें नहीं बन के रह गए हमें देखने में अक्सर ये आता है कि किसी सियासी पार्टी को कोई सियासी फायदा या नुकसान पहुंचाने के लिए अचानक कोई एक एनजीओ उठता है और कोई एक पी दायर करता है कहीं कोई एक मुकदमा दायर करता है प्रेस इकट्ठी करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और फाइनली एक बाढ़ सी आ जाती है कमेंट्स की ऑन डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स हम और वो एक तरफ हो जाता है ये छेड़ के एक तरफ हो जाता है तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि की सियासतदानों की दुकानें बनकर रह गए एनजीओ से जिन्हें हम तो खिदमत खल की बात करते हैं बिल्कुल आपका जो सवाल था बहुत दुरुस्त सवाल है और जब मेराज भाई बोल रहे थे मैं सोच रहा था बीच में बोलू लेकिन मैं बोला नहीं उस वक्त क्योंकि देखिए आप जिस तरीके से पॉलिटिशियंस जो हैं वो हंड्रेड परसेंट साउंड प्रूफ नहीं है मीडिया साउंड प्रूफ नहीं है तो एन जी ओ जो है ये एक मॉनिटरी का भाग हो चुका है आप अगर देखेंगे कि सो अगर एनजीओ ओ है तो अगर ईमानदारी से उसको एनालाइज करेंगे तो उसमें से दस एनजीओ बड़ी ईमानदारी से आपको काम करते दिखेगी आप पिछले दो साल के अंदर जितने पी आई एल्स अगर फाइल हुए हैं उसमें आप अगर देखेंगे तो उसमें से सिर्फ टेन परसेंट जेन्यून पी आई मिलेंगी यानी खुद के मुफाद के लिए जिसमें समाज का और लोगों का फायदा हो ऐसा कुछ नहीं दिखता है इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे लोगों है किसी भी सिस्टम में जैसे एक कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है ना तो जब भी कोई नई चीज बनती है उसमें एक वायरस पहले से तैयार हो जाता है मीडिया देख सकते हैं आपकी किस तरीके से छह महीना पहले माननीय नरेंद्र मोदी को बहुत ही बहुत बड़ा शैतान बता रही थी फिर वही मीडिया छह महीने बाद उसको सबसे बड़ा भगवान बता रही है यानी चौथा स्तंभ है देश का और आगे देश को ले जाने का मीडिया एक चौथा स्तंभ है जैसे जुडिशियरी एक स्थान है पोलिटिक्स उसी तरह मीडिया एक चौथा स्तंभ है और उसमें अगर इस तरीके से वायरस लगा उसको भी साफ करना पड़ा इसका मतलब ये सारी मीडिया आज भी कई मीडियाओं की वजह से कई इश्यूज लेने की वजह से जो काम पॉलिटिशियन नहीं कर पाए वो मीडिया ने कर दिया कई जजमेंट्स इस तरीके से जुडिशरी के आए हैं जो शायद ही कभी पॉलिटिशियन कर पाता शायद ही हम में से या जो भी बैठा हो किसी भी पार्टी का वो कर पाता नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको अपने वोट बैंक को संभालना है वो ये नहीं देख रहे कि रास्ता जाम हो रहा है वो ये नहीं देख रहे कि रास्ता खुद रहा है वो ये नहीं देख रहे कि तबाही का ये आइटम है या किसी मजहब या किसी रिलीजन के बारे में मैं नहीं कहूंगा लेकिन बहुत सी चीजें जो है सफाई का माध्यम जो है ये जुडिशरी बनाए और आपने जो बात रखी है जैद साहब ने जो रोशनी डाली है बहुत ही किफायत में कह सकता हूँ बहुत ही रिजनेबल बहुत ही अच्छी उन्होंने अपनी रोशनी मजहब के माध्यम से जो है सियासत में डाली अगर उसको सही तरीके से साहब फॉलो किया जाए तो मुझे लगता है कि एवरी पॉलिटिशियन को जो है वो इस्लाम की तरफ से रोशनी दी गई है उसको खाली वो एक्सेप्ट करेगा तो वो खुद भी अच्छा एक इंसान बनेगा और देश को जो है अच्छी रोशनी उससे मिली देश को अच्छी रोशनी मिलेगी जी जी बिल्कुल जरूरत है देश को अच्छी रोशनी मिलेगी बहुत अच्छी बात असलम भाई ने हमको बताई कि जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है इसी तरह हमारे समाज में जो अलग अलग शोबे हैं उनमें भी वायरस आ गया है और वो वायरस की अलग अलग शोबों में परसेंटेज अलग अलग हो सकती है लेकिन वायरस है और वो हमारे समाज की रीढ़ को या बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा है आइए मराज सिद्दीकी साहब से पूछते हैं मेराज भाई ये एन जी ओज़ क्या सियासतदानों की दुकानें हैं देखिए बिल्कुल दुकानें हैं और जैसे कि असलम शेख साहब ने कहा कि सारे लोग ऐसे नहीं होते लेकिन अक्सरियत हो गई हाँ अक्सरियत हो गई लेकिन इसी के साथ मैं चूंकि ये अच्छा मौका है, तो मैं आपके इस चैनल के जरिए खास तौर पर हमारे हिंदुस्तान में भारत में रहने वाले मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि लाख खराबियां सही सियासत में बेशुमार खराबियां सही सोशल वर्क में लेकिन आप आए मैदान में अगर आप नहीं आगे आइएगा तो वह वो खला तो पुर होना है वो अच्छे से पूर्ण नहीं होगा तो बुरे से पूर्ण होगा क्या बात है क्या तो हम तमाम अच्छे लोगों से तमाम अच्छे लोगों से ये अपील करेंगे कि आप सियासत में आए आप सोशल वर्क में आए ताकि अच्छे आएंगे तो बुरों का क़िला कमा होगा बुरे पाक साफ होंगे और दूसरी सबसे बड़ी बात खासकर मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूँगा कि आज पूरे हिंदुस्तान में एक साजिश के तहत एक सड़यत के तहत मुसलमानों की इमेज और इस्लाम की इमेज को ख़राब और तबाह बर्बाद करने की कोशिश मैं मेराज भाई इस पे आ रहा हूँ आपके पास आखिरी सवाल मेरा आप लोगों से सबसे यही होगा पहले मैं जैद भाई का रिएक्शन ले लूँ क्या एन जी ओज मीडिया और सोशल वर्क करने वाली दूसरी तजी सियासतदानों की दुकानें बनकर रह गई हैं देखिए मेरा ये मानना है कि इसका एक सर्वे तो हमारे पास मौजूद नहीं है क्या रियल है क्या नहीं है एक जनरल ट्रेंड हम सब देखते हैं और बिल्कुल असलम भाई ने बिल्कुल सही बताया कि यही एक जनरल ट्रेंड है लेकिन इस सिचुएशन में भी हम सबको ये करना चाहिए कि हम क्या सल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं कब तक आखिर में रोते रहेंगे हम सब कब तक ये सोच नहीं अपनाएंगे कि आखिर में इसका सोल्यूशन क्या हो सकता solution है क्या है तो हाँ एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रहा है और ये प्रॉब्लम यहाँ तक पहुंच गया है हम देखते हैं कि सोशल सर्विस के तौर पर यह चीज़ आम हो गई है लेकिन यहाँ पे ये सोच की कमी है कहाँ पे एक ऐसा शख्स है जो सिर्फ खुद के घर तक है खुद का काम खुद का बिजनेस खुद की जिंदगी बस कुछ उससे आगे नहीं है तो मैं समझता हूं कि जब तक लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे इसके सोल्यूशन का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक लोग वो बड़ी सोच नहीं रखेंगे होता क्या है कि लोग इस चीज़ में जब आते भी है तो एक एजेंडा के साथ अक्सर आते हैं क्यों ऐसा नहीं होता कि कोई शख्स अपने मोहल्ले अपने कम्युनिटी अपने बिल्डिंग अपने सोसाइटी के हद तक एक स्टार्ट क्यों ना करें और बड़े कॉज को इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चाहे वो सफाई ड्राइव क्लिनलीनेस की ड्राइव ही क्यों ना हो चाहे वो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारी नीड्स हैं पहुंचाने की हम ये देखते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद महमदसम के ज़माने में तो अल्लाह ताला ने खुद माले गनीमत का एक हिस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी फैमिली और नीड्स और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रखा था जिससे नबी सली वसम अपनी सारी नीड्स को पूरा करने के बाद बहुत सारे नेक काम करते थे जब अबू बकर का जमाना आया अब एक जिम्मेदार है वो वो भी उस जमाने के हम देखते हैं वो प्योर पॉलिटिक्स थी जो पॉलिटिक्स से बहुत पाक क्योंकि लव्स पॉलिटिक्स आज गंदा लगने लगता है कभी कभार क्योंकि ट्रेंड यही हो गया है तो हम देखते हैं उनके ऊपर जब जिम्मेदारी आई वो खलीफा है मुसलमानों के जिम्मेदार है और जब वो जाने लगे अपना कारोबार देखने के लिए तो लोगों ने कहा कि कहाँ जा रहे हो बोले मेरी फैमिली को कौन खिलाएगा हाँ क्योंकि ये परसेप्शन तो था नहीं कि यहाँ से मैं कुछ ले लूँ वो अमानत दारी जो थी जो ट्रस्ट वधीन थी उन लोगों में तो ऑफकोर्स उमर अदलाउं और दूसरे साहबा ने ये बात रखी और साहबा इस इतफाक तक पहुंचे कि कुछ एक स्टाइपेंड कुछ एक इनकम होनी चाहिए बैतुलमाल में से जो खलीफा की एक सैलरी हो उसके अंदर ताकि उसकी ज़रूरतें पूरी हो तो हम देखते हैं कि ये एक चीज थी कि उमर रदलाउ जब अपना काम करते थे और पर्सनल काम जब करना शुरू करते तो वो अपने कैंडल को बंद कर देते थे जो काम जो पब्लिक मनी से था और पर्सनल काम के लिए खुद की रोशनी और और उस लाइट से वो काम करते तो ये उनकी अमानत थी तो हम देखते हैं कि इस तरह के कई सारे इंस्पायरिंग वाकयात है यहाँ तक आके वो जब पहुंचे जरूसलम ताकि वहाँ की चावी ले तो लोगों ने कहा कि अमीर उमोमिन आप ये घोड़े पर जरा सवार हो जाएंगे तो थोड़ा इंप्रेसिव लगेगा तो ये उनकी सिंसियरिटी थी कि उन्होंने कहा कि तुम्हें लगता है मामला यहाँ से है नहीं मामला तो वहाँ से है और आसमान की तरफ उन्होंने इशारा किया तो यही चीज थी यही उनका दिल का जज्बा था यही हमारे रोल मॉडल्स है आज के जमाने में हमें फॉलो करने की जरूरत है और इंसानों तक फायदा पहुंचाने की जरूरत है इस वाक्य को किसी शायर ने नाजरीन अपनी शायरी में बयान किया है कि उमर पाप यादा गुलाम ऊंट पर है उमर पाप यादा पाप यादा कहते हैं पैदल चलने को उमर पाप यादा गुलाम ऊंट पर है भरे शहर में ऐसे आओ तो जाने तो ये किरदार सियासतदा पेश करते थे आइए हम आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं और हमारा लास्ट सेगमेंट ये है कि मैं आप तीनों से एक जनरल सवाल कर रहा हूँ जिसे हम बारी बारी डिस्कस करेंगे वो ये कि हिंदुस्तान में आज के माहौल में सियासत और समाज सेवा जिसे हम खमत खल कहते हैं उसमें मुसलमानों की दिक्कतें क्या है क्यों हिंदुस्तान की सियासत मुसलमान लीडरान पैदा नहीं कर पाती क्यों मौलाना अबुल कलाम आजाद के बाद हिंदुस्तान की ये हरजमी बांझ हो गई जो अगला मुस्लिम लीडर इतना बड़ा पैदा कर सके क्यों हाफिज मोहम्मद इब्राहिम साहब के बाद रफी अहमद अहमदाई साहब के बाद इस हिंदुस्तान की जमीन ने कोई ऐसा मुस्लिम लीडर मुस्लिम नेता पैदा न कर पाई या नहीं किया जिस पर सिर्फ मुसलमान कौन नहीं बल्कि हिंदुस्तानी गैर मुसलमान लोग भी कर सके। ऐसा क्या कमी आ गई क्या सबब है कि खत्म हो गई देखिए उस लेवल का लीडर तो आज तक का हिंदुस्तान आजाद होने के बाद नहीं आया मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से मुतफिक हूँ ये वैक्यूम इसलिए नहीं भर पाया क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो बहुत सा बड़ा हिस्सा जो था वो पाकिस्तान की ओर हमारे लोग जो थे वो काफ़ी हद तक चले गए और हमारी जो इस देश के अंदर जो संख्या है वो डेफिनेटली बहुत कम रह गई थी तो वो जो कम्युनिटी बेस से जो लीडर उठते हैं ना जैसे हर कम्युनिटी बेस से एक लीडर उठा था जैसे मौलाना अबुल कलाम जी उठे थे तो माइनॉरिटी की तरफ से उठे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो एक उठे थे तो वो एक दलित नेतृत्व से उठे थे उसी तरीके से सिर्फ एक महात्मा गांधी जी जो उठे थे वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं एक देश के नेता बन के उठे थे और 50-60 सालों के अंदर हकीकत में हम कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं कर पाए ऐसे तो बहुत सारे लीडर्स हमने देखे बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स जो है वो बने हैं लेकिन वो जो इमेज आपके जहन में है वो चीफ चीफ इमेज हम जो है, है बिल्कुल आपकी आपकी बात रहा हूं। चीफ मिनिस्टर भी कहा देख पाए बिल्कुल आपने देखा कि जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए और एक अब्दुल्ला साहब को छोड़ दीजिए तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है और उन्नीस से लेकर अब तक एक पैसठ सालों से एक चीफ मिनिस्टर के लिए तरस रहा है जिसकी सेकंड बिगेस्ट मेजोरिटी मुसलमान है मैं किसी सरकार या किसी कौम को जिम्मेदार नहीं ठहरा अपने आप को और अपनी कौम को जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ कि हम में क्या कमी है वो हम क्यों इस काबिल नहीं हो पाते या वहां तक नहीं पहुँच पाते कि जहाँ हमारे सामने क्या हम अपने लीडरों पर भरोसा नहीं करते या लीडर परफॉर्म नहीं कर पाते क्या वजह है उतना बड़ा वैक्यूम हकीकत में अब तक हम फिल नहीं कर पाए चाहे किसी भी पार्टी से कोई मतलब रखता हो और आजादी के बाद पार्टीशन के बाद ये बात एकदम सही है और सबको माननी होगी कि मुसलमान का पॉलिटिक्स में उतना ज्यादा हैसियत नहीं बन पाए फिर चाहे वो किसी भी स्टेट का हो और कोशिशें हुई हैं काफी बड़े बड़े नेता जैसे गुलाम नबी आजाद जी वगैरह एक अहम पोर्टफोलियो को संभाला है लेकिन जो आप जो एक नेशनल लीडर की जो इमेज होनी चाहिए वो हम कर नहीं पाए और इसको बिल्कुल मानना चाहिए और इसमें बहुत सी रीजनिंग जो है ना वो वो, वो हमारे हाँ। जो वोटर्स है वो हमेशा कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल हिस्सों में बटे रहे हैं और कहीं एक तरफा होके जो है इस तरह आजादी के बाद में सारे लोग एक तरफा होके एक लीडरशिप के नेतृत्व में थे ना वो लीडरशिप वैक्यूम हम जो है क्रिएट नहीं कर पाए उसी वजह से मुझे लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा उस लेवल का लीडर आजादी के बाद इन साठ सालों में क्रिएट नहीं कर पाए आप इस सवाल को किस नजरिए से देखते हैं अगर हिंदुस्तान में हम माइनोरिटी ऑब्जर्व करें तो हमारे जो मुस्लिम लीडरान हैं वो कभी इतना बड़ा कदी नहीं बना पाए लाइक अगर हमने कहे कि मौलाना आजाद हिंदुस्तान के मुसलमानों के लीडर थे तो सच है अगर हम कहें रफी अहमद किदवाई साहब हिंदुस्तान के मुसलमानों के लीडर थे तो सच है अगर हम कहें हाफिज़ मोहम्मद रहीम साहब या तवारे के थे मौलाना साहब वो या मौलाना हुसैन अहमद मदनी यहाँ तक भी आ जाए तो बात ठीक है उसके बाद जितने लीडरान हुए जैसा कि असलम भाई ने कहा गुलाम नबी आजाद ये दूसरे लोग ये सब इलाकों के लीडर हैं ये भले से सेंट्रल लेवल पे काम करते हो लेकिन इनका इम्पेक्ट क्या अपने इलाकों को छोड़ के दूसरे इलाकों पे है क्या गुलाम नबी आजाद सब या उनके मैं नाम नहीं लेना चाहता आमतौर पर कोई भी लीडर मुसलमानों का क्या अपने इलाके को छोड़ के किसी दूसरे इलाके के वोटर्स पे या कौम पे कोई इम्पेक्ट रखता है नहीं रखता मेरा ऑब्जर्वेशन क्यों क्या कैसा है फैला हुआ सवाल है लेकिन मैं इसको थोड़ा सी इम्पैक्ट कर लेता हूँ कि ये, ये जिम्मेदारी दोनों की है पॉलिटिकल पार्टियों की भी और ख़ुद मुसलमान कौम की भी है लेकिन ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी ये पॉलिटिकल पार्टियों की पहले पॉलिटिकल पार्टियाँ ऐसे लोगों को मौाक़े देते थीं जिनकी नीयतें साफ़ होती थी और वो भी पॉलिटिकल पार्टियाँ भी किसी पर्टिकुलर कम्यूनिटी के लिए नहीं काम करती थी वो पूरे मुल्क के लोगों और पूरे मुल्क के लिए काम करती थी तो उनमें जिसमें सालाहियत होती थी अगर जैद पटेल में साहियत है तो उनको बढ़ा दिया किसी गणेश में सलाहियत है थे तो उसको बढ़ा दिया किसी महेश में सलाहियत है थे तो उसको बढ़ा दिया लेकिन आज की पार्टियां चूंकि वोट बैंक बनाने लग गई हैं तो उस तरह से उन लीडरों को रिपोर्ट करती हैं और ऐसे लीडर्स को जो अपनी कम्युनिटी में या आवाम के दरमियान में उनका नुमाइंदा बन के पार्टी में ना आए बल्कि पार्टियां अब ये चाहती हैं कि हमारी नुमाइंदगी ये आदमी अपनी कम्युनिटी में करे अपने बहुत अच्छी बात निकाली आपने बहुत अच्छी बात कही आपने इसी वजह से नेचुरल लीडर कोई नहीं आ रहा है नेचुरल लीडर अच्छा हो क्या रहा है उसमें भी कोई असलम शेख साहब फलासे कोई अच्छा आदमी पैदा हुआ और उसने अच्छी मजबूत बात अपनी पार्टी में कही अपनी सरकार में तो सरकारों में बैठे हुए लोग पार्टी में बैठे हुए लोग चौंक जाते हैं और असलम को साइड लाइन करना शुरू कर देंगे तब कौम खामोश रहती है उस वक्त कौम को मैदान में आना चाहिए कि मिस्टर एक्स ने असलम ने कौम की भलाई के लिए कौम के हक को लड़ने के लिए बात कही तो पूरी कौम उसके पीछे खड़ी हो जाए चाहे उसमें कमी ही सही एक बार ऐसा कौम ने कर दिया कि वो साइड लाइन करने वाली पार्टियों के खिलाफ अपने लीडर के पीछे खड़ी हो जाए तो आइंदा फिर कोई पार्टी उसको साइड लाइन करने की कोशिश नहीं करेगी और फिर अवाम में से कम्युनिटी में से नेचुरल लीडर पैदा होंगे जो अबुल कलाम न सही लेकिन बड़ी हद तक ईमानदार और अच्छे उन, लोग होंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे रिप्रेजेंटेटिव जी हाँ आमतौर परेशानी यह है कि पार्टियों का कद कौमों से बड़ा होने लगा है और पार्टियां ये चाहने लगी कि उनके लीडरान कौमों को रिप्रेजेंट करने की बजाय कौमों में उनकी पार्टियों को रिप्रेजेंट करें एक सबसे बड़ा मसला दूसरा सबसे बड़ा मसला यह है कि जब कोई लीडर किसी अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाता है या पार्टी में कोई हक की बात रखता है अपनी कौम की तो कौम उसके साथ खड़ी नहीं होती पार्टी उसको साइडलाइन कर देती है और कौम में तस्करा भी नहीं होता जिक्र भी नहीं होता इस तरह से अगर ये दोनों सूरत हाल बदलेगी तो हिंदुस्तान हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदुस्तानी मुस्लिम कौम अपने अंदर बड़े बड़े लीडर पैदा कर पाएगी आइए भाई की तरफ चलते हैं मेरा तो ये मानना है इस टॉपिक पर जी पहले क्या आप कहें कि एक शख्स एक अच्छा मुस्लिम होते हुए एक बेस्ट लेवल का पॉलिटिशियन बन सकता है क्या बात और इसमें हम ये देखते हैं कि इस्लाम तो सारे इंसानों के लिए है इस्लाम ने सारे इंसानों के लिए केयर करना भी सिखाया मिसाल के तौर पर रसूल की हदीस है अल्लाह के रसूल, की अल्ला के रसूल ने फरमाया में कोई आड़ नहीं होती एक में आता है, और एक रिवायत में आता है वह इनका ना वो कोई गैर मुस्लिम में क्यों ना हो चाहे वो कोई बुरा काम खुद करने वाला इंसान क्यों ना हो तो हम देखते हैं कि मजलूम की बदुआ से बचना चाहिए ये सारे इंसानों के लिए इसमें फर्क नहीं किया गया कि कोई जुल्म कर रहे हो तो खाली मुस्लिम के ऊपर जुल्म करोगे तो गलत है किसी गैर मुस्लिम के ऊपर करोगे तो कर सकते हो बल्कि कोई भी शख्स पर जुल्म नहीं करो यही हमें मिलता है इस्लाम की तालीम में हम यहाँ यह देखते हैं कि पड़ोसी के ताल्लुक से जब इस्लाम ने सिखाया तो ये फर्क नहीं किया मुस्लिम पड़ोसी या गैर मुस्लिम पड़ोसी इस्लाम ने तो यही सिखाया कि सारे इंसान आदम इस्लाम की औलाद में से हैं सब के सब इंसानों में वही खून दौड़ रहा है तो इस्लाम ने तो सब इंसान हर इंसान के लिए केयर करना सिखाया वो भी अल्लाह के लिए अब हम ये जो इस माशरे में रहते हैं और जो ये खून चूसने वाला जो माशरा है जिसके अंदर पर्टिकुलर लोग आवाम का खून चूसते हैं ये हकीकत है अब इस चीज़ के अंदर हम मुस्लिम्स की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने वो बड़े एजेंडा को वो नैरो सोच को नहीं आज हम देखते हैं कि कई बार जब मुस्लिम आवाज भी उठती है तो एक डिविजनल पॉलिटिक्स आती है जिसके अंदर सिर्फ मुस्लिम्स को एक बांट कर अलग करना और जब यहाँ हम इनको बांट के कर अलग करते हैं तो कोई हिंदू को बांट के अलग करेगा और वो टाइप की सोच जब आने लगती है तो उसका रिजल्ट बैड हो जाता है हम ये देखना है कि एक इंसानियत वाली सोच को रखते हुए एक मुस्लिम एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को अपने मुस्लिम माशरे के सपोर्ट को पाते हुए जैसे कि बताया कि एक मुस्लिम माशरे के लिए जरूरी है कि अल्लाह तला ने कहा है कुन् तुम कह रहा तुम बेहतरीन उम्मत हो उखरजत लन्नास तुम्हें लोगों के लिए बनाया गया है बिलमारूफ वतन हो ना निल मुनकर तुम अच्छी बात का हुक्म देते हो तुम बुरी चीज़ से रोकते हो तुम इन ना बिल्ला तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो सुर्याल इमरान की एक सौ दस नंबर की आए तो हम ये देखते हैं कि ये माशिया का जब ये रोल है तो उन्हें अपने जिम्मेदारों को भी सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो नेक काम कर पाए और वो जिम्मेदारों को सारे इंसानों की सोच रखते हुए सारे इंसानों की खिदत करें आप बताइए जरा एक इमेजिन करते हैं एक फर्जी सिचुएशन एक फर्जी सिचुएशन जिसके ने इमेजिन करिए कि ऐसे लोग कंट्री में जगह 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 पर पाए जाने लगे सडनली जो इंसानों के लिए केयर करते हुए सिंसियर सर्विस करते हुए सिंसियर खिदमत खल कर रहे हैं सिंसियर सोशल सर्विस कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं और साथ साथ में पॉलिटिकल तौर पर भी सुधार लाना चाहते हैं इस करप्ट एनवायरनमेंट मेरा तो यह सोच है कि इस महरूम दुनिया के अंदर जो इस तरह के जो लोग हैं जो लोगों को एहसास भी हुआ है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है हमारे राइट लिए जा रहे हैं तो उस सिचुएशन के अंदर तो बहुत सारा सपोर्ट पैदा हो सकता है इबन इबान में एक सही हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब कोई शख्स लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करता है तो अल्लाह उस शख्स को उन्हीं के रहमोक्रम पे छोड़ देता है और जब वो लोगों को भले ही नाराज हो रहे हो अल्लाह को राजी करता है तो अल्लाह भी उससे खुश हो जाता है और लोग भी उससे खुश हो जाते हैं तो ये सही हदीस में हमें बात मिलती है तो यह बात यह है कि हमारे जो बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कई बार ऐसे काम करते हैं विच आर नॉट देव वो खुद अल्लाह के सामने जो रोल है उसको छोड़ते हुए कई सारी चीजें होते हैं कई बार ऐसा होता है कि वो यूज कर दिए जाते हैं कई बार ऐसा होता है कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी के एजेंडाज में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये एक चीज है जो हम सबको सोचना चाहिए और मैं तो ये चीज देखता हूँ करें कोई मुश्किल बात नहीं है और यकीन अल्लाह ही है जो जिसे चाहता है वो हुकूमत देता है जिसे चाहता है कंट्रोल देता है उसी के हाथ में सब कुछ है वो जब सब कुछ कंट्रोल रखते हुए अगर किसी को को नहीं दिया है वो उस लायक है कि उसे ना मिले अल्लाह ताला जानता है किसे देना है अल्लाह चाहता है किसे नहीं देना बहुत अच्छी बात जिसे नहीं मिला वो उस लायक मुझे कई बार बड़ा गलत होता है बड़ा अफसोस होता है मेरा दिल परेशान हो जाता है ये सोच के ये देख के मदर टेरेसा कि इस तरह के काम करने वाले जो बहुत बड़े बड़े खिदमत करने वाले लोग हैं उनमें हमें कोई अपनी कौम का शख्स नजर नहीं आता हमारी कौम में मदर टेरेसा जैसे लोग इस दौर में क्यों पैदा नहीं होते और कुछ करूं। जी प्लीज प्लीज कुछ। बहुत बुनियादी सवाल है ये हम सबको सोचना भी है और समझना भी और दुनिया को भी समझना है इसमें इस्लाम किसी एक पर्टिकुलर नुक्ते का नाम नहीं है इस्लाम एक पूरे दायरे का नाम है जिसमें मुल्क कंट्री सोशल लाइफ प्राइवेट लाइफ पड़ोसी सब आता है आपने देखा होगा कि बहुत बाद में जब हुक्मरान सेल्फिश हो गए और इस्लाम पे चढ़ना छोड़ दिया खिलाफतें ख़त्म हो गई उसके बाद धीरे धीरे यतीम खानों का चलन आया उससे पहले मुस्लिम माशरे में मुस्लिम कंट्रीज में यतीम खानों का कोई चलन नहीं हुआ करता था इसलिए कि कंट्री खलीफा उस मजलूम का उस बेवा का उस असीम का जिम्मेदार हुआ करता था उसकी अफालत उसके जिम्मे होती वाली वाली था था बेशक वाली बेशक अफालत उसके इसलिए उस तरह का कोई कंसेप्ट इस्लाम के कुरुन उला में नहीं आया रही इस दौर की बात इस दौर में देखिए माफ कीजिएगा क्या गालिब ने कहा कि गालिब मुझे इस तलख तलखनमाई पे माफ आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है असल में सोशल वर्क साइंसी इजादात नोबल प्राइजेज ये सब कहीं ना कहीं सियासत का शिकार हैं इसमें ईमानदारी मुकम्मल तौर से कहीं भी नहीं मुसलमानों में बहुत सारे लोग सोशल वर्क में आए लेकिन वो मकाम नहीं दिया गया मैं आपको जिंदा वाज मिसाल देता हूँ अब्दुल अब्दुल सत्तार एधी इस काबिल नहीं है पूरी दुनिया पूरा जमाना हर कौम के लोग इस बात को महसूस करते हैं कि उनके साथ तासुब का मामला किया गया वरना उनको भी इक्वली बाद में सही नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए था बिल्कुल ये मामला हैं इस तरह के बहुत मामलात हैं जो निगलिजेंस का शिकार है बहरहाल मैं आपके चैनल के ज़रिए अपने ख़ास कर मुसलमान भाइयों के पैगाम देना चाहता हूँ कि आप ये सब चीज़ें न छोड़ें आप अपने विजन को बड़ा कर दें जिस तरह के इस्लाम है और आप सोशल मैदान में आए आप पॉलिटिकल मैदान में आए लोगों की खिदमत करें तो इन शुमा इनशा अल्लाह ताला आखिरत में भी आपको सुरख करेगा और इस दुनिया में भी आपको जिम्मेदारियाँ देगा मकाम देगा इज़्ज़त देगा तो़ी देगा और सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो जो बात बीच में कट गई थी कि आज पूरे दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों की तस्वीर जिस साजिश के तहत मीडिया बनाकर पेश कर रहा है एक बड़ा तबका मीडिया के सारे मीडिया ने वो एक दहशत गर्द की तस्वीर पेश कर रहा है एक दीनदार आदमी नमाज पढ़ने वाला रोज़ा रखने वाला मुशर्र दाढ़ी रखने वाला साफा बांधने वाला टोपी लगाने वाला उसकी इमेज ऐसी बना दी गई है जैसे किसी दहशतगर्द मैं आप तमाम लोगों से अमील करना चाहता हूँ कि आप सियासत में आए आप सोशल वर्क में आए आप मीडिया में आए और आकर अपने कैरेक्टर के जरिए अपने किरदार के जरिए अपने अखलाक के जरिए इस मुल्क भारत की और इस पूरी दुनिया की जनता को ये बताइए कि इस्लाम की असली तस्वीर क्या है जब तक कि आप आएंगे नहीं आगे तब तक के बुरे लोग आएंगे और बुरे लोग आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे अच्छे लोगों का आना जरूरी है वो ईमानदारी के साथ अपना काम कर सके और इस्लाम की भी नुमाइंदगी कर सके यही आपके चैनल के थ्रू मैं सारे लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ आपका ना आना जो खला पैदा करेगा वो खला बुरे लोगों से भी भर सकता है और वो बुरे लोगों का आने के जिम्मेदार फिर आप होंगे आइए असलम शेख साहब के पास चलते हैं असलम भाई सवाल मेरा आपसे भी वही है कि हम या हमारी कौम के लोग खास तौर पे हिंदुस्तान की सतह पे और आम तौर पे तमाम दुनिया में मदर टेरेसा जैसे लोग या वो लोग जो खदमत खत्म करते हैं जो बिला लिहाज मजहब मिलत लोगों की खिदमत करते हैं पिछले अगर हम सौ साल का सत्तर अस्सी साल का जायजा लें तो हमारे यहाँ ऐसे लोग क्यों नहीं पैदा होते जबकि हमारे मजहब का खासा है ये मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जिंदगी जिस काम के लिए लगा दी और उस काम के लिए उनको प्रोत्साह गया उसमें कोई डाउट नहीं है उसमें कोई चैलेंज नहीं है लेकिन जिस तरीके से मेराज भाई ने बताया हमारे भी कई ऐसे एन जी ओज रहे कई ऐसे पर्टिकुलर व्यक्तिगत रहे जिन्होंने इस लेवल पे काम किया लेकिन कहीं ना कहीं वो मीडिया के सामने आ नहीं पाए वो अपने आप का जो काम है लोगों तक बता नहीं पाए देखिए बेसिकली मदर टेरेसा ने इतनी जबरदस्त तरीके से तहरीक चला के ये काम किया उसमें लाख दो लाख चार लाख पाँच लाख दस लाख लोगों तो को उसका बेनिफिट पहुंचा होगा लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो है उसको सही तरीके से गया, उसको सही तरीके से दिखाया गया और सही तरीके से बताने की वजह से एक पूरा चित्र जो है पूरे वर्ल्ड के सामने खड़ा हुआ कहीं ना कहीं हमारे लोग जो है उसको लैक कर गए डेफिनेटली मैं बोलता हूँ अगर आप ढूंढेंगे और भी आप अगर गल्फ में ढूंढेंगे तो कई ऐसे हमारे जो है अरबी भाई हैं उन्होंने इससे कम नहीं इससे कई ज्यादा काम किया हुआ है वो कुछ नाम मैं भी लेके कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करूंगा लेकिन डेफिनेटली तौर तो से देखा जाएगा तो इससे अगर बढ़ के नहीं किया तो इससे कम सतह पे भी काम नहीं हुआ है बस ये है कि सही तरीके से वो पोट्री नहीं हो पाए अपने आपको दिखाने राइट भाई जैसा कि असलम भाई ने कहा और अभी थोड़ी देर पहले असलम भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हमको जहाँ ये कहा गया कि तुम नेकी या खिदमत छुपके करो वहीं ये भी कहा गया कि दिखा के करो तो कहीं मदर टेरेसा या उस तरह के तमाम खिदमत करने वालों ने वो दूसरा वाला हिस्सा पकड़ा और दिखा के किया कहीं हम ये पहले वाले हिस्से यानी छुपा के करो का शिकार तो नहीं हो गए हमारे यहाँ लोग रहे खिदमत गुजारी करते रहे लेकिन खाली छुपा के खामोशी से करते रहे हम मौजूद हैं मीडिया में भी मौजूद हैं ऐसा नहीं है कि नहीं है आपने ईदी साहब की बात की आप नॉर्थ इंडिया में जाइए और ईदी का जिक्र कीजिए खुद पहचानता नहीं है इस कौम में कोई नहीं पहचानता किसी मुस्लिम स्कॉलर से बच्चे से बड़े से नौजवान से पूछिए कि ये ईदी कौन थे नहीं मालूम कुछ भी नहीं मालूम और हम पता देने वाले लोगों ने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खुद को छुपाने का शिकार हो गए देखिए इसमें एक बात तो ये समझना है इससे पहले कि हम जवाब देखें वो ये है कि हर इंसान में एक बात उसे समझनी होगी कि उसका रिलेशन उसके मालिक से है और वो जो रिलेशन है कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पर्टिकुलर एजेंडाज होते हैं और वो एजेंडा उसमें इन्वाल्व होता है कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर मकसद के लिए कोई काम किया जाता है इस्लाम ने सिखाया कि कोई मकसद मत रखो अल्लाह की रजा के एक वो ही मकसद होना चाहिए अब एक बात ये एक तरफ तो बिल्कुल सही है कि मीडिया का प्रेजेंटेशन हमारे पास बहुत ही वीक है हम मीडिया में माने हुए कमजोर हैं और ना होने की वजह से हमारे कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स को हाईलाइट करके लाया नहीं जा सकता ऑन दी अदर हैंड जब सूरत हाल ये है तो इसमें एक और सोल्यूशन है एक सोल्यूशन ये है कि अच्छी चीज को इतना ज्यादा कर दो कि उसे कोई कहे ही नहीं कि ये गलत है मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे कि सबसे ज्यादा भिकारी पारसी कम्युनिटी में मिलते हैं तो इस बात को कोई मानने वाला है नहीं, माने नहीं, नहीं मानने नहीं। वाला है क्योंकि जनरली नॉन बात है कि उनमें तो शायद ही कोई मिलेगा अब अगर हमारी चैरिटी इतनी आम हो जाए चाहे पड़ोसी हो कोई हो कोई भी मजहब का क्यों ना हो चाहे सोसाइटी के लेवल पर चाहे बिल्डिंग के लेवल पर चाहे एरिया के लेवल पर चाहे कम्युनिटी के लेवल पर हर इंसान उसके साथ उसको हेल्प करने की कोई, कोई कोशिश की जाए और हर इंसान ये सोचे मैं क्या कर सकता हूँ ये खैर उम्मा का लखब मिला है इस उम्मत को तो अगर हर कोई ये सोचे तो बहुत ज्यादा छुपा नहीं सकते इस बात को ये बात तो कहीं जाकर ओपन होनी ही होनी है लोगों का एक परसेप्शन क्रिएट होना ही होना है प्रोग्राम जो है वो अख्ताम के बिल्कुल आखिरी बरहलों में है

तो यहाँ आज हम जिस जमाने और दौर में रहते हैं यहाँ तकरीबन सात सौ बारह करोड़ से ज्यादा लोग दुनिया में है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे लोगों की तकलीफ को दूर करने में कोई जरिया बन जाए तो मैं आप तमाम नाजरीन से यही अपील करता हूँ कि अपनी पर्सनल जिंदगी से अपने पर्सनल रिसोर्स से अपनी पर्सनल ताकत और एबिलिटीज जो अल्लाह ने आपको दी है उसमें से निकाल कर किसी का कोई फ़ायदा कोई भला करने की कोशिश करें और मकसद ये रखें कि अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं और पॉलिटिकल हो या जो भी एतबार से ये चीजों से हम अगर दूर रहेंगे तो हम भी जिम्मेदार बनते हैं कि इस चीज के अंदर अच्छे लोग नहीं पहुंचते हैं हमें सोशल परसेप्शन चेंज करना चाहिए कि जैसे पॉलिटिशियंस बहुत ही खराब लोग होते हैं ये एक परसेप्शन लोग बना के रखे हैं ये परसेप्शन हमें चेंज करने में जरिया बनना चाहिए क्योंकि हम ये समझते हैं और जानते हैं कि इसके अंदर जब सिंसियर लोग आएंगे और सिंसियरली खिदमत करेंगे तो इसके अंदर वो सुधार आ सकता है जिससे सबको फायदा होगा जिसमें सिर्फ मुस्लिम्स को फायदा होगा हम अपना सोच के नहीं कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा हूँ हमारी कम्युनिटी के लिए ही हो हमारे लिए भी हो लेकिन सारे इंसानों के लिए हो और यही मैसेज इस्लाम ने इंसानों तक पहुँचाया यही मैसेज हमें अपने दुनिया के और खास तौर से अपनी कंट्री के भाइयों तक पहुँचाने की जरूरत है जजाक जिजाक है मेरा जी, मेरा तो यही पैगाम है कि तमाम लोगों से कि सियासत में आए अच्छे लोग जो सियासत को शजरे ममू समझते हैं सियासत में आए सोशल वर्क तो आज भी अच्छी पोजीशन में है उसमें भी लोग आए मीडिया में लोग आए और अपने अखलाक से अपने किरदार से सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं पूरी इंसानियत की भलाई के लिए काम करें सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि इस पूरी सृष्टि के लिए इस पूरी कायनात के लिए इस पूरी दुनिया के लिए अच्छे काम करें आप अच्छा काम करेंगे तो इसके रिज़ल्ट भी अच्छे आएंगे आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट भी नहीं आएंगे अल्लाह ताला की ये सुन्नत नहीं है कि आप हालत को बदलना ना चाहें तो अल्लाह ताला को कोई गरज़ नहीं पड़ेगी कि वो आपकी हालत को बदले आपकी हालत को बदलने के लिए आपको मैदान में आना पड़ेगा जब आप अपनी हालत बदल लीजिएगा तो पड़ोसी की भी बदलने के काबिल हो काबुल अच्छा अच्छा तो फंटेस्टिक और बहुत ही इस्लाम को जुड़ा हुआ टॉपिक के ऊपर आज हमने चर्चा की और दोनों तरफ से जो बातें वो बात को मैं रिपीट नहीं करूंगा लेकिन मैं ये कहूंगा कि स्पेक्टेटर नहीं बनना है आपको लीडर बनना है और यही हमारा मजहब भी सिखाता है कि आप लोगों से सीखेंगे और उससे ज़्यादा उनको सिखाने की अपने आप में वो क्वालिटी लाएंगे और इस टॉपिक के माध्यम से जितना हो सके हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को खास करके जो इस वीवर होंगे उनको जो है अपनी तरफ से अपनी जिंदगी में अपने दिन के अंदर एक चौबीस घंटे के अंदर आधा घंटा जो है वो अपने पड़ोसी के लिए अपने एरिया वालों के लिए या अपने देश के लिए ज़रूर निकालना चाहिए जो तकलीफ में हो उसके लिए अगर आपने उसके कंधे पे हाथ रखने का भी काम किया तो उसको एक मलहम लगाने के बराबर हो नाजरीन ये खूबसूरत तरीन टॉपिक मौजूद अपने अख्ताम को पहुँचता है इनका जो काम है ये अहले सियासत जाने इनका जो काम है ये अहले सियासत जाने मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे आइए तहिया करें आदा करें और अपने आप से वादा करें की मोहब्बत लेकर हम सियासत के मैदान में हम खिदमत के मैदान में हम मजहब के मैदान में अपने समाज में जाएंगे लोगों तक जाएंगे लोगों में मोहब्बतें बांटेंगे लोगों को मोहब्बतें देंगे आइए इस प्रोग्राम को अख्ताम पजीर करते हैं मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ इन अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज अपना ख्याल रखेगा